मैं रिपीट कर रहा हूं, हम क्या क्या करेंगे, पहले कि मार्केट के इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या है, दूसरी बात कि स्टील इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या कह रहा है, क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या टेक्निकल्स हैं, और तीसरी बात कि अगर आप लोगों के कुछ स्टॉक्स हो गए पर्टिकुलर तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मैं फिर बता दे रहा हूं, जो इस समय मार्केट से निकल रहे हैं, ये हर बार, मतलब ये कोई, देखिए मैं तो 20 साल से यही काम कर रहा हूं, ये हर बार होता है जब मार्केट में बूम आएगा। देखिए आज के 6 महीने पहले याद करिए, मतलब पार्लियामेंट में भी क्रिप्टो करेंसी की बात होती थी, केवल 6 महीने, 6 महीने क्या, बल्कि 4 महीने पहले पार्लियामेंट में भी क्रिप्टो करेंसी की बात होती थी। आज आपका कोई फ्रेंड क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा होगा, जो आज के 4 महीने पहले रोज क्रिप्टो की बात होती थी, क्रिप्टो जा रहा है, क्रिप्टो जा रहा है, क्रिप्टो, याद है ताहिर क्या, अहमद जी क्या मैं सही बोल रहा हूँ, अनम्यूट कर सकते हैं? यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। इनफैक्ट मैंने भी आपसे एक बार क्वेश्चन करा था ये। हाँ, और मेरे को क्रिप्टो मार्केट में जाना चाहिए, क्लास में लोग कहते थे क्रिप्टो करें, मैं कहता था नहीं, तो कहते थे ये तो इसको कुछ नहीं आता, ये किसी काम का नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए जो चीज भागेगी ऊपर उसके पीछे लोग भागे, और जो चीज नीचे जाएगी और उसके पीछे आपको भागना, बस सिंपल सा लॉजिक है। मैंने आपको बता दिया, जिस दिन आप दुनिया से थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, जो भीड़ है उससे अलग हो जाएंगे, उस दिन आप लीडर बन जाएंगे, उसी दिन आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज अभी आपको क्या, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी वर्कशॉप्स कर रहा हूं, मैं अपने बुक्स पे काम कर रहा हूं, मैं अपना बाकी कर रहा हूं, मेरे को स्टॉक मार्केट में पैसे रोज थोड़ा, मेरे पास पैसे रोज कहां से रहूंगा मैं पैसे लगाने के लिए। तो दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन एनहांस योर नॉलेज, मार्केट के बारे में सोचना नहीं, पैसे हैं तो पूछो त्रिपाठी जी 20,000 रुपए और आए हैं कहां लगा दूं, काम खत्म, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप परेशान होंगे, आप परेशान होंगे, उस परेशानी से बचने की कोशिश करना है हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं हम क्या कर सकते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी मार्केट क्या कह रही है, मार्केट के टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। क्या आप लोग को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? फंडामेंटल्स की बात करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल्स में पिछले 2 महीने में कोई चेंज नहीं, फंडामेंटल्स 2 महीने में बेटर ही होंगे, खराब नहीं हुए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। यूक्रेन वॉर फुल्ली अब्सॉर्ब्ड है, फुल्ली अब्सॉर्ब्ड, अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नया कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा, अनलेस अंटिल की वॉर कुछ अब बढ़ना होता तब तक बढ़ गया होता, कुछ नहीं होगा उसका, ठीक है। जैसे कभी सीरिया वॉर हुआ था, जैसे कोई एक कोने में एक वॉर हो गया, दो लोग लड़ गए, ठीक है, ये होता है ना, दो पड़ोसी लड़े उसका इफेक्ट और होता है, और दो गाँव के लोग लड़ गए उसका इफेक्ट और कुछ होता है। तो अभी के बाद एक तरह से दो पड़ोसी लड़े हैं, इसलिए आपको उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, नो डाउट कुछ कंपनियों पर उसका फर्क आया है, आएगा। मैं जा रहा हूँ सीधे निफ्टी पे, और निफ्टी को पहले देखते हैं, फिर बैंक निफ्टी को देखेंगे, और आई होप आप लोग मेरे आईटी के एनालिसिस से बहुत सहमत होंगे, जिन लोगों ने मुझे कॉल कई दिन से कहा था सर आईटी गिर रहा है खरीद रहे हैं, आईटी गिर रहा है खरीद रहे हैं, आईटी गिर रहा है खरीद रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने खुद खरीद रखा है, मैं बेचूंगा नहीं, लेकिन खरीदने का समय नहीं है। याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा, तो देखिए जरा, मैं जा रहा हूँ सीधे निफ्टी पे पहले, आप लोग निफ्टी, और ये मैं क्यों बताता हूँ, मैं हर क्लास में कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को बताने का, सो दैट कि आप चार्ट को एनालिसिस करें, जितना चार्ट को एनालिसिस कर पाएंगे उतना अच्छा है। निफ्टी देखते हैं, निफ्टी क्या कह रहा है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं। देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको एक लाइन लगा के देता हूं, इस लाइन को अगर आप समझ पाएंगे तो आप बहुत को समझ पाएंगे। बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है 15,680, ये एक सपोर्ट है, क्या आप समझ पा रहे हैं सपोर्ट लेवल को? देखिए ये
यहाँ पे देखिए कितने टाइम तक काम म्यूट करके रखेंगे, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अगर अपने आप को म्यूट करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ लोगों का मैं आप लोग चाहते हैं मैं आपको म्यूट कर दूं सबको, गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं। मुकेश जी का है, मुकेश जी का है, मुकेश जी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ लोगों को वो बता रहा हूँ, प्लीज बिना सोचे समझे रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि किसी और का टाइम वेस्ट हो उससे कोई फायदा। दीपक जी आपको, निधि जी आपको, बिना मतलब सोचे समझे, क्योंकि उसमें हम टाइम वेस्ट करें, हर क्लास में डिस्कशन करें इसके ऊपर, क्योंकि ठीक है रिमूव कर दीजिएगा, बाद में वो मुझे कहते हैं सर गलती से हो गया, ये हो गया वो गया, लेकिन गलतियां क्या करें, उसको कोई मेरे पास कोई रास्ता नहीं। नाउ देखिए जरा इसको, इस निफ्टी के सपोर्ट को जो मैंने आपको दिखाया, मैं पास्ट में जाता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा ये सपोर्ट लेवल था इसका, ये बहुत, इस सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, दिस सपोर्ट, इसको देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा समझ पाते हैं जितने दिनों से आप मुझे स्टॉक पे, ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे से मार्केट को नीचे आना आसान नहीं है, जिस लेवल पे ये है, ये बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, बार बार इस पे गया है। दूसरा इस जगह पे जो RSI है, ये देखिए जरा, यहीं पे मैं आपको RSI की क्लास आप लोगों ने सबने किया हुआ है, ठीक है, और सबको पता हो चुका है कि अब RSI क्या कहता है। निफ्टी के RSI को देखने की कोशिश कीजिए, निफ्टी का RSI लोवेस्ट लेवल को टच कर चुका है ऑलरेडी, इसके नीचे निफ्टी का RSI ने किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर जाता रहता है, निफ्टी का RSI इससे नीचे मतलब एक्सट्रीम, इतना भी बहुत एक्सट्रीम में जाता है, नो डाउट कोरोना यूक्रेन वॉर महंगाई ये सब एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसने अपना सपोर्ट लिया उसी यहाँ पे, जिस पॉइंट पे सपोर्ट था यहाँ पे, इन पॉइंट्स को देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए जून जुलाई का महीने को देखिए, फिर इस लेवल को देखिए, फिर इस लेवल को देखिए, बार बार एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, इन कैंडल्स को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था ये कैंडल्स बहुत कुछ कहती हैं, ठीक है, क्या ये बहुत तेजी से यहां से भाग जाएगा, ऐसा नहीं है, नो डाउट, लेकिन लेकिन जब तक रिटेलर्स, ये कब भागेगा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जिस दिन रिटेलर्स इस मार्केट से आउट हो जाएगा, जिस दिन निधि दुग्गल जी अपने सारे शेयर बेच देंगी, जी ये तो बेकार चीज है, ये तो इसमें तो कुछ पैसे बन नहीं रहे, इससे ज्यादा तो FD में बन जाते, जिस दिन रुचि जैन जी ऐसा कर लेंगे, जिस दिन अशोक जी ऐसा कर लेंगे, उस दिन दीपक मिश्रा जी ऐसा कर लेंगे, उस दिन ये चलना शुरू हो जाए, उस दिन का आपको वेट करना है, कौन वेट करेगा वो उसके ऊपर। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे एक चीज जान लो, निफ्टी ने आपको रिटर्न वही 12-13% का निफ्टी ने देना है। अब लॉजिक क्या कहता है कि अगर वो हर महीने 12% देता जाएगा हर साल का मतलब एवरेज, तो वो एवरेज रहेगा, और अगर वो मान लीजिए पिछले एक साल में वो यहां से यहां तक बढ़ा ही नहीं, तो वो 12% कैसे देगा, अगले एक साल में 24% देगा, देना ही देना, नहीं देगा ये असंभव है, क्योंकि इस चार्ट को देखिए सब कुछ बताता है। देखिए चार्ट, इस पूरे चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्या ये इस फॉल को देखिए, क्या इस फॉल से ज्यादा फॉल अभी आया है, इस फॉल को देखिए, क्या इस फॉल से ज्यादा आया है, इस फॉल को देखिए, इस फॉल को देखिए, क्या जो अभी का फॉल है पास्ट के किसी भी बड़े फॉल से ज्यादा है अभी, है ही नहीं। और ऐसा क्या हो गया इकोनॉमी में, ऐसा क्या हो गया जो पास्ट में कभी नहीं हुआ, क्या ऐसा कोई हुआ गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब पास्ट में हर स्टॉक्स को इसने अब्जॉर्ब किया है, तो इस स्टॉक को क्यों अब्जॉर्ब नहीं करेगा, कोई एक रीजन कोई मुझे बता सकता है, निफ्टी के नीचे जाने का एक रीजन कोई बता सकता है कि आज निफ्टी तो नीचे जाए, कोई रीजन नहीं है, तो इन्वेस्टर भी बढ़ गए, शेयर मार्केट के तो इन्वेस्टर्स भी बढ़ चुके हैं। हाँ जी, शेयर मार्केट के तो इन्वेस्टर्स भी बढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है, वेरी गुड सर, बहुत अच्छे, मुझे सुन के खुशी हुई कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है। मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई झटका आया जिसमें निफ्टी को कुछ, तो वो झटका निफ्टी को
इस लेवल पे जो विवेक जी कह रहे थे, आई डोंट नो उन्होंने क्या लेवल निकाला है, वो झटका मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से निफ्टी को इस लेवल तक ले जा सकता है। ये लेवल है 14,820, 14,800, ये लेवल है। नाउ अगर 14,800 पे चला गया, मान लो चला गया, आज है 16,000, होता है 10%, तो देखो 10% फॉल के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, किसी भी हालत हो जाएगा, लेकिन वो 10% फॉल आपके लिए बेटर होगा, वो करेक्शन मतलब समझ रहे कि करेक्शन होगी, फिर उसके बाद भागना शुरू कर देगा। तो इसलिए इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे निफ्टी नहीं जाता, इसके लिए आपको अपना माइंड बना के रखना है कि अगर कभी गया, कुछ पैसे पड़े हो, कुछ एफडी वेफडी लास्ट पड़ी हो, तो उसको आपको इस लेवल पे लगा, ये एक लेवल आपको नोट करके रखना है सबको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये लेवल हमने निकाला है, ये लेवल आपको लग रहा होगा कि मैंने केवल और केवल प्राइस बेस से निकाला है 14,800 का, नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको ये लेवल निकालना सिखाऊंगा, जिन लोगों ने टेक्निकल थोड़ा बहुत थोड़ा इंटरेस्ट है उनके लिए बता रहा हूं, ये लेवल निकला है आपका रिवर्स कप विद हैंडल से। एक आप लोगों ने सुना होगा कप विद हैंडल, आपको पता होगा मैंने पहले भी निफ्टी में आप लोगों को सिखाया हुआ इस तरह का लेवल, और लेवल आया, ये लेवल निकला है रिवर्स कप विद हैंडल से। रिवर्स कप विद हैंडल अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक कप बन रहा था और ये एक हैंडल बना, क्या आप देख पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं सब लोग, मैं इसको यस सर कौन है हम्बल रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ, और मैंने दो वॉलंटियर बनाए लेकिन मुझे लग रहा है वॉलंटियर किसी काम के नहीं है, वॉलंटियर कैन यू हेल्प मी, कर दिया सर, रिमूव कर दिया ना, हाँ जी, आप आपको मैं प्राइज दूंगा, सर वो डेल हर क्लास में आप देती हैं सिखा के कुछ ना कुछ, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। तो ये लेवल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने कैसे बनाया है, सीखेंगे तो अच्छा रहेगा, इसे कहते हैं रिवर्स कप विद हैंडल, और इस लेवल को निकालना देखते हैं क्या हम निकाल पाते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा मैं इस पेन को लगा रहा हूँ इसके साथ और आपको सिखाऊंगा ये लेवल, देखते जितना अगर आप कर सकते हैं प्राइस तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इस ये दो पैटर्न से लेवल आया है, ये दोनों पैटर्न क्या है देखिए जरा ध्यान से, मैं इसको देखेंगे, अगर मैं ये एक अगर मैं इसको इस लेवल को ध्यान दीजिए, ये एक कप है और ये एक हैंडल है, दिख रहा है सबको, दिख रहा है yes, इस कप की जो एवरेज डेप्थ है वो कुछ यहां तक आएगी, यहां तक ये इसकी एवरेज डेप्थ है। मैं हमेशा कहता हूं मैं कुछ चैनल्स पे आप देखेंगे तो वो हमेशा मैक्सिमम डेप्थ की बात करते हैं, लेकिन हम एवरेज डेप्थ एवरेज इस कप की देखो, क्योंकि एक डेप्थ ये है यहां से लेके ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, तो एवरेज अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का पसार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कंसेप्चुअली जानना है एवरेज डेप्थ हमें लेनी, क्योंकि जिस इस लाइन से हमें एवरेज देखना है, ये यहां तक गया, ये यहां तक गया, ये यहां तक गया, तो एवरेज क्या आएगा। अगर इस डेप्थ को मैं नीचे की तरफ बढ़ा दूं जो ऊपर गया है, तो ये लगभग लगभग वही पॉइंट आता है 14,820 का। ये हम लोग तो एक्सेल में करते हैं, ये मैं आप लोगों को सिखाने के कर रहा हूं, जो मेरे पास जो मेरे बच्चे हैं वो एक्सेल में ये वैल्यूज हम लोग डालते हैं, ये वैल्यूज डालते हैं तो एक्सेल में डाल के एग्जैक्ट वैल्यू आती है, तो मैं आपको बता रहा हूं 14,800 मान लो, ये क्या ये पॉइंट आ सकता है। किसी झटके में ये पॉइंट आ सकता है और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जिस दिन ये पॉइंट आएगा उस दिन ये पॉइंट आके वहां पे स्टे नहीं करेगा। इस पॉइंट पे जैसे होता है ना दिन में कोई न्यूज आई तो नीचे आया ऊपर चला गया, ऐसा कभी देखा आपने कई बार निफ्टी में कई में होता है, वो सिचुएशन में ये पॉइंट आए, क्या इससे आपके सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
मैं आपको बता रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जितना तेजी से नीचे आएगा उतना ही तेजी से ऊपर जाएगा। हाँ, आपको फर्क ये पड़ेगा कि अगले दिन आप, अरे यार कल पैसे होते तो लगा लेते, बड़ा अच्छा मौका था, ऐसा कुछ फीलिंग आएगी आपके अंदर। ठीक है, वो मार्केट में हमेशा रहे, वो मार्केट में हमेशा रहे। ठीक है, तो एक चीज तो मुझे आपको ये बताना था जो आपको क्लियर होना चाहिए। ये देखिए, एक बहुत अच्छा सपोर्ट है एक तो, दूसरा टेक्निकल भी हमें वही चीज बता रहा है। तो इस ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है जब दो, एक प्राइस लेवल चेंजेस भी वही चीज बता रहा है और हमारा रिवर्स कर्व विद एंडर भी वही पॉइंट बता रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है, इस पॉइंट के लिए हमें वेट करना चाहिए। अगर हमारे पास 2-4-5 लाख रुपए हो जो हमें, किसी को लगता है कि हाँ हम इस टाइम पे लगाना चाहते हैं, मार्केट नीचे आ गई है, कई बार मेरे पास रोज मैसेज आ रहे हैं सर कहाँ लगाए, तो मैं अच्छे स्टॉक में बता देता हूँ। लेकिन अगर किसी को ऐसा है कि हाँ जी अभी मुझे पैसे, तो इस पॉइंट का आप वेट कर सकते हैं, इस पॉइंट पे आप कुछ पैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब कल मेरे पास मैसेज क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। कल मैसेज आएगा कि सर आपने कल की क्लास में बताया था 14,800 आने वाला है, तो क्या हम अपने अभी स्टॉक को बेच दें और 14,800 पे लगा देंगे। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, अगले दिन बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ऐसे मैसेज भेजते हैं मेरे पास। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मैं अपने एक भी स्टॉक नहीं बेच रहा, आप क्या करेंगे वो आपके ऊपर है। मैं अपने एक भी स्टॉक लॉस में नहीं बेचता, मुझे पता है पैसे होंगे तो और लगाऊंगा, नहीं होंगे तो, ये इसी को कहते हैं ग्रीड। ग्रीड ग्रीड क्या है कि इस पे बेचूंगा नीचे अलग लगा दूंगा फिर। तो जिस दिन आप ग्रीड एंड फियर से बाहर आएंगे उसी दिन आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना पाए, उसी दिन आप स्टॉक मार्केट में पैसा लाएंगे। उससे पहले आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पाए। बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूं, तो ये मेरा हम्बल सा रिक्वेस्ट है। लगभग लगभग हर महीने, इस बुरे से बुरा महीना भी रहेगा अभी, आई होप, आई डोंट नो आप लोगों में से कहते हैं, इस महीने भी मैंने अपना एक स्क्रिप्ट बेचा है, अच्छा खासा पैसा बनाया है, मैंने अवंती फीड बेचा था, आप लोगों को मैसेज भी भेज दिया था। तो देखिए बुरे, और इस समय तो बहुत कहते ना वर्स्ट सिचुएशन चल रही है, तब भी अगर महीने में आप देखिए होता क्या, आपके पास टोटल स्क्रिप्ट कितनी, अगर आप मेरे रूल के हिसाब से चल रहे हैं तो आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए 20, 22, 25, 30, दिस शुड बी द नंबर ऑफ स्क्रिप्ट। नंबर ऑफ स्क्रिप्ट अगर आप साल में, वैसे साल में बेचे, अगर आप साल में भी एक बार रोटेट कर पाते हैं पूरा, तो आप हर महीने में 2 करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। और मैंने कहा हमने इस महीने में भी स्क्रिप्ट को रोटेट किया है मैंने, तो अगर आपको इस वर्स्ट महीने में भी आप एक स्क्रिप्ट बेचने में कामयाब रहे, 15% 20% आपने कमा लिया, हमारा तो टारगेट ही 20% का। हम मैंने तो कभी आप लोगों से 40% 50% से बात ही नहीं की। जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, उनको तो इन्वेस्ट करते रहिए, मैं तो इन्वेस्ट करते रहता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया मेरा एक छोटा सा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो भी है। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि मैं रोज बेचता खरीदता हूँ, लेकिन एक पोर्टफोलियो जिससे मैं कोई होता कुछ पैसा बन जाए। तो मैंने इस महीने भी बेचा है, क्या मैं जून में भी कुछ बेच पाऊंगा, एकदम बेच पाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं जो पीएमएस वाले हैं उनको पता है, उनको मैसेज भेजूंगा कि आज मैंने ये बेचा है और मैं बेच के बताऊं। तो अगर मैं महीने में एक भी स्टॉक में, एक भी मेरा स्टॉक है आपका पोर्टफोलियो, उसमें अगर मैं 15-20% कमा रहा हूं, यानी, और ये वर्स्ट टाइम है, यानी अभी मैं एक में कमा रहा हूं, ऐसे भी महीने आएंगे जब मैं 3 में कमाऊंगा, यानी एवरेज क्या होगा, महीने में दो स्टॉक में आप 20% कमाएंगे, तो आपके टोटल 24 स्टॉक अपने आप कवर हो जाएंगे, सब में 20-20% कमा लिया, काम खत्म। दिक्कत क्या होती है कि जब हम हर महीने कमाना चाहते हैं, हर दिन कमाना चाहते हैं, वही दिक्कत की बात है। ये हमारा तो उस तरह का हमने कोई ट्रेडिंग का कंसेप्ट हमने शुरू किया नहीं, ये मेरा आपसे कहना था। नेक्स्ट चीज मुझे आपको बताना है जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं जा रहा हूं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी को आप समझने की कोशिश। बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, बहुत ही अच्छा, और मैंने कुछ बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स अभी उठाए हैं, और मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है, मैं बहुत उठा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और आपकी मर्जी है आप उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं। मैं तो देखो जब समय आता है तभी बात करता हूँ, उससे पहले बात करने से कोई फायदा है नहीं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, इसको समझने को लोड हो रहा है अभी, इसको आप समझ पाएंगे तो
देखते हैं, आई डोंट नो, नेट की प्रॉब्लम तो लग नहीं रही मुझे, लोड में ही कुछ। इन बिटवीन किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर आप अभी बैंक 20 के बारे में बोल रहे थे। नहीं सर, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए सर। अब मतलब एनएमडीसी बहुत ही शार्पली लास्ट 2 डेज में गिरा है, क्या रीजन है? अभी मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मैं स्टील सेक्टर पे बात करूंगा। मैंने क्लास स्टार्ट किया तो मैंने बताया कि आई एम गोइंग टू टॉक ऑन स्टील सेक्टर एज अ होल, बताया मैंने आपको। हाँ और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने काफी स्टील सेक्टर के स्टॉक उठाए हैं पिछले 2 दिनों में, और मैंने आप लोगों को मैसेज भी डाला था। आई डोंट नो आप लोगों ने क्या किया है, लेकिन मैंने तो उठाया। ठीक है, अब देखिए जरा इसको, इस बैंक निफ्टी को देखिए जरा, ये एक लेवल है। मैं बार बार इस लेवल को आपको बताने की कोशिश करता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पिछली क्लास में बताया था, ये कोरोना के पहले का लेवल है। This level was the highest level before Corona. जब कोरोना नहीं आया था, उसके बाद ये नीचे आया, ऊपर आया, फिर यहीं पे इसी पॉइंट पे लगभग सपोर्ट लिया, फिर ये आया यहीं पे इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया, और फिर ये लगभग उसी पॉइंट के आसपास ये सपोर्ट दे। लगभग मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया का इससे अच्छा सपोर्ट लेवल होता ही नहीं है। क्या ये कहां तक जा सकता है? मैं बता रहा हूं, ये जा सकता है 32,450 तक, हो सकता है जाए। 32,450 का मतलब होता है कि यहां से करीब करीब 5% और नीचे जा सकता है। क्या इससे कोई हमारे शेयर पे फर्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। इससे अच्छा चार्ट पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, इससे अच्छा चार्ट पैटर्न फॉर द फ्री फ्लो, अपवर्ड फ्री फ्लो हो ही नहीं सकता। बस इसको एक कहते ना, एक झटका लगने की जरूरत है, एक समय आने की जरूरत है, एक विवेक जी जैसे, सरिता यादव जैसे लोगों को बाहर निकलने की जरूरत है कि बस वो अपना बेचबाज के हाथ से बाहर निकले। तब नहीं निकलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ, 2 लाख के लिए निफ्टी पे बैठे हैं, टेंशन मत करिए। हाँ जी, आपने कहा था ना कि निफ्टी 2 लाख पे जाएगा, हम तो उसके लिए बैठे हैं। मैं निफ्टी दो, देखो निफ्टी को 2 लाख तो जाना ही जाना, कब जाएगा वो एक क्वेश्चन हो सकता है। निफ्टी 2 लाख जाएगा, इसमें कोई देखो दो चीजें, एक चीज मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो मैं आपको बता, दुनिया के 2 सत्य, एक सुनील त्रिपाठी को ऊपर जाना, दूसरा निफ्टी को ऊपर जाना, ये दुनिया के 2 सत्य। दुनिया में जो भी आया उसको ऊपर जाना है, जाना है ना, सत्य है। उसी तरह निफ्टी को ऊपर जाना भी एक सत्य है, इसका कोई मतलब कोई इफ बट है नहीं। सर हमारे जाने से पहले निफ्टी चला जाए ऊपर। अच्छा, हमारे जाने से पहले। सर कितने दिन हुआ आपको इन्वेस्ट करते हुए? ज्यादा नहीं हुए, अभी तो 6 महीने ही हुए सर आपके साथ। यही सर, देखिए क्योंकि एंट्री लोगों की उसी टाइम पे होती है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है। अब मार्केट नीचे, अब नए लोग, मैंने बताया ना अभी आपको एग्जाम्पल दिया, कोई बात कर रहा है क्रिप्टो की कहीं, अरे भाई साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, आज के 6 महीने पहले जी बिजनेस और ये जो CNBC आवाज है इसके ऊपर क्रिप्टो पे अलग से एक आधा आधा घंटा के सेशन होते थे, क्रिप्टो अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा। अब देखिए बात ही नहीं कर रहे हूँ सर, मार्केट जितनी मर्जी नीचे हो लेकिन अब डर नहीं है कोई भी चीज से। डर नहीं होना चाहिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इन्वेस्ट करो, 10 रुपए बचते हैं 10 रुपए इन्वेस्ट करो, 20 रुपए बचते हैं 20 रुपए करो, 100 जो आपके पास है मार्केट में इन्वेस्ट करो, पोर्टफोलियो बनाओ। आप सिंपल सी बात सोचो कि अगर 10% नीचे गया है आपको नुकसान है, तो वो नुकसान झुंझुनवाला को भी है, वो नुकसान वॉरेन बफेट को भी है। आप सिंपल, आपको ये पता झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है? जब 280 रुपए का केनरा बैंक, ध्यान से सुनना, 280 रुपए का केनरा बैंक 190 रुपए का हो जाया गया, तो झुंझुनवाला को कितना नुकसान हुआ? वो कितना नुकसान हुआ, क्या वो सोच भी रहा है उसके बारे में? क्या आपने सुना कि उसने केनरा बैंक को बेच दिया? नहीं बेचा ना। तो झुंझुनवाला बनना है तो झुंझुनवाला जैसे सोच लाना पड़ेगा हमें, उस सोच के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उस सोच के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।
अभी तो इतने स्टॉक इतने नीचे दिख रहे हैं, वो तो पैसे नहीं है इसने लगा नहीं पा रहे बस, बहुत तो ये बहुत बहादुरी की बात है, नीचे दिख रहे हैं लगाना है। ये देखिए 50% आपने जंग जीत ली है कि नीचे है तो लगाना, नीचे बहुत सारे आपने लिस्ट, जो लिस्ट आपने बता रखी है ना सारी नजर में है, सारे स्टॉक लगाने वाले दिख रहे हैं लेकिन अभी पैसे नहीं है तो लग नहीं पा रहे। सर ये तो होगा ना मार्केट में, तो जो लगाने लगता है उसके पास पैसे, मैं तो आपको बता रहा मेरे पास तो कभी पैसे ही नहीं होते, मैं तो पैसे लगे होते हैं। मैं तो आपको ये निधि जी दुग्गल मैम वगैरह शुरू से अटेंड कर रहे हैं, मैं इन लोगों को ऑर्गेनाइज कर पाया, उनसे पूछिए जब मैंने कहा था कि ये जब मार्केट 2020 में यहाँ से यहाँ आई और रोज कहते थे लोग मेरा डबल हो गया ट्रिपल हो गया, मैं तो हुआ नहीं, मैं तो 20% ही बढ़ा था। क्यों? क्योंकि मेरा इस पॉइंट पे सारा पैसा लगा हुआ था, नीचे आया आया थी फिर ऊपर चला गया, काम खत्म। तो जब यहां से यहां का फॉल जिसने देखा है ना, उसको यहां से यहां के फॉल को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत क्या है, जो लोग यहां कहीं आए हैं ना मार्केट में, यहां कहीं और ये ऊपर गया और कुछ लोग तो यहां आए, कुछ लोग यहां भी आए हैं, ओहो ऊपर जा रहा है अब नीचे आ रहा है, वो बड़े खतरनाक है। तो कोई लेकिन ये भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बता रहा हूं, इस स्टॉक इसके इसको देखिए इसी के बीच में इंदिरा गांधी भी मरी, इसी के बीच में राजीव गांधी भी मरे, इसी के बीच में कारगिल भी हुआ, इसी के बीच में चाइना से वॉर भी हुआ, सब कुछ हो गया। देखिए क्या हो रहा है, ये इतना नीचे नहीं आया, नहीं आया ना, तो सिंपल सी बात है। जब उस सब तो अभी ऐसा क्या हो गया जो मतलब इतनी सी बात है कि अभी ऐसा क्या हो गया जिसने यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, अभी तो केवल 20 साल का है केवल आपके पास, जिसने यहाँ पे 800 रुपए लगाए, 800 रुपए आज भी इतने गिरे पड़े जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 34,000 रुपए है। कैलकुलेट कर लीजिए रिटर्न आपको सुनना है, 20 साल में 800 के 34,000 कैलकुलेट करिए क्या है, सब मार्केट गिरी हुई है फिर भी 500% परसेंटेज कैलकुलेट करिए जी, मैं तो करता ही नहीं है, मुझे पता है। अगर मैंने विवेक जी बैठे हुए यहां से पूछिए आज के एक साल पहले डेढ़ साल पहले मेरा मकान बन रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था मकान बन रहा था क्योंकि मैं नौकरी करता था, लेकिन अगर मैं नौकरी को रिजाइन देके बैठा हूं क्योंकि मुझे पता है मैंने 15 साल में कैसे वेल्थ क्रिएट की है, तो क्योंकि मैं एकदम कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है इसमें कुछ नहीं हूं मैं, बार बार आप लोगों से, अब मुझे कहते ना मुझे नए लोगों को जोड़ना नहीं, मुझे वही लोग मेरे साथ चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ जो अगले 15 साल 20 साल का विजन हो जिनके पास कि सर लगाएंगे। आपने देखिए सर सिंपल ही बात है, नहीं लगता ना, मैं कहता हूँ उतना पैसा लगा दो जितने का आप पिज्जा खा सकते, 500 रुपए लगाओ ना अगले 20 साल, कोई बात नहीं 20 साल बाद आपको 20 साल बाद आपको पछतावा बस होगा कि आपने और क्यों लगाया, बस मैं ज्यादा पैसे लगाने बोलता नहीं। जितने पैसे का आप महीने में पिज्जा खा सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, शाम को बैठ के दारू पी सकते हैं, उतना पैसा मार्केट में लगा, उसे मान लीजिए हमने दारू पी, काम खत्म। उसको मत देखिए, क्या आप शाम को ड्रिंक करने के बाद अगले दिन या एक महीने बाद सोचते हैं वो पैसा कहाँ गया, ऊपर गया या नीचे गया, नहीं सोचते ना, तो फिर इसमें लगाए हुए पैसे को क्यों सोचते हैं। कभी मैंने बोला कि अपने बच्चे के एजुकेशन वाला पैसा यहाँ लगाओ, बेटी की शादी वाला पैसा यहाँ लगाओ, कुछ नहीं मतलब अपना रखो, आप जहाँ एफडी रखना जहाँ आपको मन करता है, यहाँ वो पैसा लगाओ जो आज के 15 साल बाद 20 साल बाद, मैं तो कहता हूँ कुछ मत सोचो, अपने रिटायरमेंट के सोचो, वो पैसा लगाओ। बोलिए विवेक जी। सर मतलब पता नहीं अभी सही टाइम है क्या, ये पूछना था जैसे HDFC AMC है वो 1700 वगैरह पे है, तो सर मेरे मैं आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड सबको बता रहा हूँ, मेरे पास HDFC AMC 3500 लेवल पे खरीदा हुआ, 3500 लेवल पे मेरे पास खरीदा हुआ है 3500 लेवल पे, बोलिए। और जब 1700 पे है तो लूटना चाहिए, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी वो 5% 6% है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब 3500 लेवल का ये नहीं कि आज मेरा कॉस्ट उसकी 3500, मैंने 3500 भी खरीदा, मैंने 2800 भी खरीदा, मैंने 2500 भी खरीदा, मैंने 2000 भी खरीदा, मैंने 2200 भी खरीदा, तो मैं आपको बोला मतलब 3500 लेवल पे खरीदा हुआ भी HDFC AMC है, तो 1700 लेवल पे अगर आप किसकी जिसके पास नहीं है उसे तो तुरंत करें रखिए, बस रखिए रहिए। ठीक है सर, मन्नापुरम का ही बता दो सर लगे हाथ। हाँ जी मन्नापुरम फाइनेंस मेरे पास है, मैं आप लोग को बता चुका हूँ कई बार, आप बताइए मन्नापुरम के नीचे जाने का कोई लॉजिक है ना आपने। हाँ जी
ये तो लॉन्ग टर्म के लिए बताया था ना, मन्ना प्रोग्राम रखा हुआ मेरे पास भी रखा हुआ। अच्छा सर, अभी गिरा तो और खरीदेंगे सर? और खरीदो जितना पैसे है, 4-5%, 5% अपना कंप्लीट कर लो, काम खत्म। देखिए जरा इससे मतलब, ये देखिए क्या चार्ट पैटर्न है। इस चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। ये जिसने इसका फायदा उठाया, ये देखिए जिसने इसका फायदा उठाया, आज फिर जब ये यहां से यहां गया जाता है ना, तो लोग कहते अरे सर अब लगा लूं, लेकिन जब वो यहां से यहां आता है ना तो कहते सर अब क्या करूं। यही से देखो, आप देखो बेस कहां बना रहा है ये, अभी भी देखिए कहां बेस बना रहा है। क्या इसने इस लेवल को तोड़ दिया? तोड़ेगा तो कहां तक जाएगा? मैं आपको बताता हूं, हो सकता है 80 लेवल पर पहुंच जाए। जान दीजिए क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो लगा दीजिए, नहीं तो पड़े ना। सर डीवीएस मैप, हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है। डीवीएस मैप 2 दिन में करीब 20% डाउन चला गया। मन्नापुरम फंडामेंटली स्ट्रांग है। हाँ जी, डीवीएस लैब जो है फंडामेंटली स्ट्रांग लगता है मुझे, लेकिन 20% डाउन, बहुत अच्छा 20% डाउन है 2 दिन में। हाँ जान दीजिए सर, पैसे है तो उठा दीजिए। ठीक है सर। देखिए मैं आप लोग को एक चीज बस बताता हूँ, देखिए डीवीएस लैब में और मन्नापुरम में क्या डिफरेंस है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बस इसको देख लीजिएगा। देखिए आपने ये देखा, ये 20% डाउन हो गया, ठीक है सर। इसको देखिए, बस इस चार्ट को देखिए, कुछ समझ में आ रहा है इस बात से? कोई बता सकता है वॉल्यूम? यस सर। क्या कंटिन्यूस राइज है डीवीज लैब में? ये जो फॉल है ना, मुझे ऐसा लगता है जो लोग उठा रहे, ठीक है मैं आपको एक लेवल दे देता हूँ डीवीज लैब का। मेरी कैलकुलेशन से डीवीएस लैब आपको 2360 में मिलेगा। पहले काफी भाग चुका है ना सर, इसलिए जो 2360 में, हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए आपने उठा लिया थोड़ा सा, लेकिन 2360 में अगर आपको रखना है डीवीएस लैब अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो डीवीएस लैब मैं आपको 2360 में दिलवाऊंगा सर। वेट करिए, सर पूछ रहे थे क्या नाम नहीं समझ में आया था मुझे। ओके सर, ओके ओके सर, ठीक है। तो डीवीएस लैब एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसका नाम 2360 ये लेवल है इसका। कुछ डिफरेंस बता रहे थे सर आप डीवीएस लैब और अब ये इस चार्ट को देखिए, मैं कह रहा हूँ डीवीएस लैब को अभी मत उठाइए, देखिए इस चार्ट को। अब मैं दोबारा आपको मन्नापुरम के चार्ट में जाता हूँ, सॉरी डबल वन नहीं है, मन्नापुरम, और इस चार्ट को देखिएगा। इस चार्ट को देखिए, क्या वैसा अपवर्ड रन है यहाँ पर जो डीवीएस लैब में था? सर नहीं, डाउन हो रहा है। कोई वैसा रन दिख रहा है आपको यहाँ पे? नहीं सर, नहीं सर, ये डिफरेंस है, इसलिए कह रहा हूँ मन्नापुरम अभी ढाने का लेवल है, डीवीएस लैब अभी और रुकने का लेवल है। 20% गिर गया, आपको और बता रहा हूँ, कुछ लोग फंसे भी हो सकते हैं। देखिए मेरे मित्र हैं, मुझे रोज फोन करते हैं, सर अब क्या करूं, अपोलो हॉस्पिटल, डबल पी तो नहीं आता उसमें? हाँ डबल एल, डबल एल, डबल एल आता है। ओके देखिए जरा, मुझे कुछ याद आता है, कुछ तो डबल आता है उसके अंदर। देखिए जरा क्यों अपोलो हॉल, देखिए ये चार्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूं, किसी ने डीवीएस लैब पूछा उसके लिए बता रहा हूं, जिसने ये डीवीएस लैब पूछा उसके लिए बता रहा हूं। इस चार्ट को देखिए सर, ये जो डीवीएस लैब में जो हुआ हो रहा है, ये अपोलो हॉस्पिटल में पहले हो चुका है। हुआ क्या, जब अपोलो हॉस्पिटल यहां से यहां गिरा, आप में से कोई हो सकता है किसी ने 4,500 के आसपास बहुत लोगों ने खरीदा होगा। मैं आपको बता रहा हूं अपोलो हॉस्पिटल आज भी आपको बता देता हूं, ये और नीचे जाएगा करीब करीब 2500, 2600, 2700, 2700, मतलब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 2700-2800 के लेवल पे जाके कहीं इसका सही लेवल आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रन है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखिए मैं बार हर चार्ट में बताता हूं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन, जो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन में फंस गया, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी रन है, यहीं पे फंसते हैं ताहिर जी, निधि जी, रुचि जी, कई बार मैं आप लोगों को ये बात बता चुका हूं, मुझे आप लोगों का फेस याद है, क्योंकि आप लोग तो समझ में ये समझ में आता है, इस रन में कभी नहीं फंसना है। क्या सुनील त्रिपाठी इसमें कभी नहीं फंसे? मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी फंसा हूं आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं।
क्या मेरे पास ऐसा कोई स्टॉक है जिसमें मैं फंसा हूं? एकदम फंसा हूं, कुछ टेक्निकल दिखा मैंने ले लिया, लेकिन ठीक है क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन इस तरह से होता है, मेरे ट्रेडिंग स्टॉक इस तरह से होते हैं, मैं ट्रेडिंग वाले में 1% से ज्यादा लगाता ही नहीं कभी, तो 1% है वो आया तो मेरे पोर्टफोलियो मैं स्टॉक कितने नीचे है मैं देखता हूं, मैं तो अपने पोर्टफोलियो पे देखता हूं कितना फर्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं चलो कुछ लर्निंग। लेकिन आप लोगों को, आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बार बार जब भी किसी भी स्टॉक में ये रन है, ये रन देखिए, जब भी स्टॉक खरीदना है तो पक्का उसका लॉन्ग टर्म चार्ट लगाइए, देखिए पहले 1.5 साल में 6 महीने में ऐसा कोई रन आया है, उस स्टॉक में पैसे नहीं लगाने हैं, नहीं लगाने हैं, नहीं लगाने हैं, बार बार बता। हम कहां गलती करते हैं, हम देखते हैं, अभी भाई साहब ने पूछा सर ऊपर से इतना नीचे आ गया, ऊपर से नीचे कहां है? एक वीडियो आज मैं देख रहा था किसी पुराने जमाने की, 20 राजेश खन्ना की मूवी थी, तो उसके पास कुछ व्यापारी लोग जाते हैं, कहते हैं आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है कि नहीं, पुराने जमाने की मूवी है, कहते हैं रोटियों के दाम हम बढ़ाना चाहते हैं, वो राजा था राजेश खन्ना, तो कहते हैं कितने करना चाहते हो, तो कहते हैं कि हम इसको डबल करना चाहते हैं, कहे आज कितने की बेच रहे हो, तो कहे 75 पैसे, तो कहे 75 पैसा ये तो बहुत है, गरीबों का क्या होगा, तो वो बगल में उसके कान में कहता है कि हम आपके पार्टी फंड में कुछ पैसे डालेंगे, तो कहता है कितना करना चाहते हो, डबल, कहता है कोई बात नहीं ट्रिपल कर दो, व्यापारी लोग खुश होकर चले जाते हैं। अब कहता, उसका मंत्री कहता है सर आपने ट्रिपल कर दिया, जनता हाहाकार मचाएगी, तो कहते हैं जब जनता हाहाकार मचाएगी तो हम उसे 1/3 कम कर देंगे, जनता खुश हो जाएगी। समझ गए बात? Yes, sir. एक्चुअल में ये वीडियो मेरे पास आया था, वो देवर टॉकिंग अबाउट पेट्रोल प्राइसेज एंड ऑल, कि पेट्रोल प्राइसेज को ऊपर कर दिया फिर नीचे कर दिया, लेकिन मैं यही चीज आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, कि स्टॉक मार्केट में ऐसा कई बार होता है कि आपको कम दिखता है लेकिन वो कम हुआ नहीं होता, वो एक फसाने का लेवल होता है, और वो लेवल मैंने आप लोगों को कई स्टॉक में कई बार दिए हुए। नाउ जिसको नहीं याद है वो शेयर को याद करें, मैंने किसी मैडम ने ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछा था शेयर खरीद ले और मैंने उसको सेल का लेवल दिया था, कोई है तो बता दे क्या लेवल दिया था? 75 दिया था। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सर रंजना। याद है ना रंजना जी आपको? और देखिए किस लेवल? वैसे मैंने पूछा नहीं था, नहीं मैंने पूछा नहीं था, बट एज अ पर्न हु आस्क्ड यू एंड हु गिव सेम। हां और आई थिंक सर ये रन टाइटन में भी चला था। आज 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 का लेवल देख लीजिए, देखिए सेम है जो आपने बताया। तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जब आप यहां से देखते हैं ना, इसी को लोगों ने देखा यहां कि सेल जो है 140 से, ध्यान से समझिए 140 से 120 110 था उस समय, मुझे याद नहीं आ रहा जब किसी ने पूछा था, तो भाई 140 से 110 हो गया, 20% 25% करेक्शन हो गया। नहीं जी, आपने ये नहीं देखा कि उसमें हुआ क्या था, ये जो रन था ना, ये जो पिछड़ा जो रन था सेल का, ये अनएक्सपेक्टेड रन था, दिस रन, ये इसी रन की मैं हमेशा बात करता हूं, दिस रन इज अनएक्सपेक्टेड रन इन सेल। और आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको कहानी बता देता हूं, सेम इज गोइंग टू हैपन इन नाउ टाटा मोटर्स, लिखिए इसको, याद करिए, जिसके पास भी टाटा मोटर्स है, मैं आज तो बात करूंगा नहीं, आज के 6 महीने बाद 1 साल बाद बात करूंगा, कुछ लोगों को टाटा मोटर्स बहुत कम लग रहा, सस्ता हो गया मैं ले लूं। इस रन को देखिए, ये रन आपको बहुत कुछ कह रहा है, जो लोग टाटा मोटर्स ले रहे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं, ये देखिए ये जो टाटा मोटर का जो रन है ना, ये कुछ बहुत कुछ कह रहा है, ये जो रन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रन, वैसे करेक्शन हो गया है लगभग लगभग, लेकिन अभी मैं, मेरी कैलकुलेशन आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मेरी कैलकुलेशन कहती है टाटा मोटर की, ये डीवीआर खुल गया क्या, टाटा मोटर ही है 150 149 टाटा मोटर ही है, ये डीवीआर खुला हुआ मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि टाटा मोटर 424 पे क्लोज है। हाँ आपको मैं टाटा मोटर किस लेवल पे दूंगा,
बस ये मेरा टाटा मोटर का लेवल है 305, 307, 310। मैं फिर ऑनलाइन बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करूंगा, इसको यूट्यूब पे डालूंगा। आज बात नहीं करूंगा, आज के 6 महीने बाद, 1 साल बाद बात करूंगा आप लोगों से। सर आपने आपने वीआईपी का बताया था, वही 550 के आसपास आ गया। आगे आपका आप ही को खरीदना था ना वीआईपी। सर आप मैंने पूछा था ना 630 के नियर पूछा था मैंने, आपने कहा था अभी कहा के नीचे नहीं आ रहा। चलिए देख लेते हैं सर, जस्ट टू क्लोज टाटा मोटर्स आप कह रहे हो 350 तक वेट करें, 310-20 के बीच में, 310-20 ठीक है। मैं आप लोग देखो, मैं ये नहीं कह रहा खरीदो, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए मेरा काम, मैं ब्रोकर नहीं हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ। मैंने जब ये सेशन शुरू किए थे तो मेरा एक सिंपल सा पर्पस था कि अगर आप में से 5 आदमी आज के 20 साल बाद ये कहें कि हमारी लाइफ में एक अलग से हो गया त्रिपाठी जी की वजह से, मेरा ये पूरा सेशन का पर्पस हो, मेरा पर्पस हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 5 लोग अगर आज के 20 साल बाद उनको लगता है कि हाँ हमने कोई नई चीज सीख ली थी और हमारी लाइफ में इसका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा, फॉर मी इट इज मोर देन एनफ। ठीक है, देखिए ये है वीआईपी, और मैम ने पूछा था मुझे, अच्छा हुआ मैम ने याद दिला दिया मुझे, और ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे से ऊपर आ रहा था, मैंने उनसे कहा था कि आप इसका वेट करिए। ठीक यही चार्ट पैटर्न टाटा मोटर में है जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए उसी लेवल पे आ गया है। क्या वीआईपी अब खरीदना चाहिए? एकदम, अब अगर आपके पास पैसे हैं तो अब आपको वीआईपी की बाइंग शुरू कर देना चाहिए। मैंने आपको ये लेवल दिया था सरिता मैम। यस मैम, सर यही दिया था ऑलमोस्ट, और आई थिंक उस समय 700 के आसपास था। हाँ जी, 650 के आसपास था सर, 650 के नियर था। ठीक है, और आपको लग रहा था कि नीचे आ गया, ले लेती हूँ। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, तो ठीक है, इसको सीखेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा मैंने क्यों किया था ये मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को जानने के लिए। ये देखिए, ये जो रन होता है ना, इस तरह के रन, ये बहुत अनएक्सेप्शनल रन, ये देखिए ये एक्सेप्शनल रन। इस रन के बाद कभी भी हम स्टॉक को नहीं खरीदते, हमेशा आपको कूलिंग डाउन पैटर्न स्टॉक में मिले, अच्छे से अच्छा स्टॉक। लोग कहते थे मुझसे, सर क्या बजाज फिनसर्व कभी 200 DMA के नीचे आएगा? आ जा रहा है। आज के 4 महीने पहले, 4 महीने या 6 महीने पहले, कोलगेट जैसा स्टॉक 200 DMA के खूब नीचे था। मैं कह रहा था खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, कह रहा था, मैं रोज कह रहा था खरीद लो, लोगों ने नहीं खरीदा, सर ये तो बेकार है। आज देखो वो कहां बढ़ा गया, 1200 से 1500, 30% आपको बड़े आराम से दे चुका, 30 बल की। ठीक है, आज सबको कोलगेट चाहिए। अब तक मेरा रहा है MRF, MRF अभी भी खरीद, MRF का लेवल आज भी खरीदने वाला है, ये भी मैं आप लोगों को बता दू। इतना मेरा 12% अब जाने के बाद भी खरीदना है, एकदम खरीदने वाला लेवल है, अभी भी खरीदने वाला है। सर वो तो ले लिए ना दो तीन। ठीक है, नाउ तो ये हमने आपको थोड़ा सा सिखाने की कोशिश की कि हमें अभी क्या दिख रहा है मार्केट में। ठीक है, आई होप। अब मैं जा रहा हूँ सीधे स्टील इंडस्ट्री पे। स्टील इंडस्ट्री पे मैं एक स्टॉक उठा रहा हूँ आप लोगों के लिए, टाटा स्टील। देखिए स्टील इंडस्ट्री में क्या हुआ, अगर आपको पता हो, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी और इम्पोर्ट हटा दिया सर। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई मतलब उसको इक्वलाइज कर दिया, जो पहले इंपोर्ट पे बैन था, इंपोर्ट के लिए जो ड्यूटी लगी हुई थी उसको हटा दिया। और मतलब क्योंकि गवर्नमेंट इज अ WTO मेंबर, तो WTO के कुछ प्रेशर्स होते हैं, उसको फॉलो करना होता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटीज नहीं थी उसको लगा दी, इंपोर्ट पे जो ड्यूटी थी उसे कम करके मतलब इक्वल कर दिया। नाउ बाहर की कंपनियों को भी इंडिया में मिल जाएगा इक्वल रेट। नाउ इसकी वजह से क्या बाहर की कंपनियां इंडिया, आप लोगों ने कितनी कंपनियों को बाहर की इंडिया में स्टील बेचते हुए देखा है? सुना है ना, आपने सुना होगा जिंदल स्टील, काम सुना है, यही सब मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया में बाहर की कंपनियां स्टील एज अ प्रोडक्ट नहीं बेचती, स्टील का बना हुआ कुछ बेच सकती है, अभी तक तो नहीं बेचती। क्या वो आएंगी? हो सकता है इस फिलोसफी के ऊपर आए, लेकिन बाहर से स्टील बन के किसी, क्या आप याद करिए, देखिए, रिसर्च करिए, क्या किसी कंट्री में स्टील बन बन के एक्सपोर्ट होते हैं? ऐसा नहीं होता, स्टील प्लांट बनाने पड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके
स्टील प्लांट लगाने पड़ेंगे। क्या स्टील प्लांट एक दिन में लग जाएंगे? उनको जमीन लेंगे, एक्वायर करेंगे, किसान जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, फिर ऐसे करते करते अगले 10 साल होंगे तो जाके कोई बाहर की कंपनी का स्टील प्लांट इंडिया में लगेगा, तो वो इंडिया में स्टील बनना बेचना शुरू करेंगे। क्या इससे इंडिया के जो स्टील प्रोड्यूसर है उन पे कोई फर्क पड़ेगा? 10 साल तो नहीं पड़ने वाला, निश्चिंत रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ 10 साल तो नहीं पड़ने वाला। नाउ अब बात आती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई तो क्या इससे इंडिया के स्टील एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा? एकदम होगा, लेकिन लेकिन फिर वही बात बता रहा हूं, कितने एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया में स्टील की डिमांड क्या है? आज के टाइम के सिचुएशन मार्केट में आप जाइए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, देखिए अपने अगल बगल जाके बोलिए जी मुझे सरिया इतने टन चाहिए, कब मिलेगा, इतने गाटर चाहिए, इतने, आपको आइडिया लग जाएगा। मार्केट में सप्लाई मिल नहीं रही, मार्केट में सप्लाई नहीं मिल रही है, अवेलेबल नहीं है, वो एक्सपोर्ट क्यों करेगा जब इंडिया में बिक रहा है इतना? इंडिया में उनका डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे, उनको एक्सपोर्ट से क्या लेना देना? तो बता रहा हूं ये जो पैनिक सेलिंग हुई है वो केवल और केवल रिटेल इन्वेस्टर्स ने किया है। कोई आप देखिएगा उस दिन की जाके, कल की जाके, परसों की जाके, क्या कोई बल्क डील्स हुई है? कुछ नहीं हुई है, रिटेल इन्वेस्टर्स ने बेचा है, बेचो जी आपकी मर्जी है, मैंने तो खरीदा है, मैं आपको बता रहा हूं मैंने तो खरीदा। ये देखिए ये जो लेवल है ये बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छी एक गैप फॉर्मेशन हुआ है चार्ट के अंदर, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो। और स्टील एज अ प्रोडक्ट हमेशा डिमांड रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इसको ले सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को टाटा स्टील पहले रिकमेंड नहीं किया था, लेकिन अब कर रहा हूं, बहुत अच्छा लेवल है। मैंने कल परसों भी बताया था आप लोगों को, एक बार जब ये 1100 या 1200 कुछ था तो मैंने खरीदवा के आई थिंक 1300-1400 में बिकवाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो, ये 2-3 महीने पहले की बात है, बेचा था सर, बनाया था प्रॉफिट, याद है आप लोगों को? 1290 में खरीदा, 1200-1250 में खरीदा था और 1400 के आसपास बेचा था, मुझे प्योर ट्रेडिंग बेट। लेकिन अभी और अभी भी मैं बता रहा हूँ, प्लीज स्टील अभी उतना ही खरीदना, अभी भी आपको लग रहा होगा कि हाँ बहुत नीचे आ गया, फिर वही बात है, अभी भी वो नीचे नहीं आया, क्योंकि ये जो रन है ना, ये रन, दिस रन, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से टाटा स्टील मुझे हो सकता है 7-750 में भी मिल जाए, हो सकता है। अब आप कहोगे क्या मजाक की बात कर रहा है आदमी, तो मतलब 1000 रुपए के शेयर को 750 की बात कर रहा, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए टाटा स्टील जो है वो मैं अगर खरीदूंगा तो मैं इसको कहीं यहां से खरीदना, मतलब 800-700 के बीच में कहीं खरीदूंगा। आज जो मैंने खरीदा है वो मैंने प्योर ट्रेडिंग बेट खरीदा है, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में मैं उसको बेच के निकलूंगा, और मैं आपको बताऊंगा भी जब मैं बेचूंगा तो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में मैं ना, जब स्टॉक कुछ ऐसे लेवल पे आ जाता है ना जब लगता है कि हाँ अब तो इसको उठा लो, वही मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। इन्वेस्टमेंट का लेवल है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टील समझ में आ गया सबको। एक और बताता हूँ अच्छा स्टॉक जो आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे लेवल पे है, NMDC। किसी ने पूछा भी था, गुड इवनिंग सर, टाटा स्टील की एक क्वेश्चन था। हाँ, अभी आपने बोला कि मतलब 750 तक आएगा, तो सर शेल वी वेट, मतलब अभी उसके लिए रुके हैं, फिर तभी खरीदेंगे? देखिए क्या होगा कि अभी ये 1000 रुपए पे आया है, कल को ये 1200 रुपए पे हो जाएगा, तो आप कहोगे त्रिपाठी जी ने खरीदवाया नहीं, तो तो ट्रेडिंग के लिए खरीद सकते हो आप 1-1.5% अपने पोर्टफोलियो में, अगर ट्रेडिंग करना है तो। ट्रेडिंग क्या होता है मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट अ डे ट्रेडर। मैं क्या करता हूँ, जब कोई स्टॉक किसी न्यूज वगैरह की वजह से, कोई अच्छा स्टॉक फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए, पहले फंडामेंटल के साथ कोई बट कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मेरा एक पहला रूल। अब अच्छा स्टॉक है, मैं कह रहा हूँ कि ये 7-750 का लेवल मुझे दिख रहा है, लेकिन न्यूज की वजह से नीचे आया है तो ये ऊपर जा सकता है, एक झटका ऊपर लेगा फिर नीचे जाएगा, उस झटके को यूज करने के लिए मैंने ले दिया है, ठीक है। Now, आप लोगों को याद होगा मैंने NMDC भी कुछ बिकवाया था, आप लोगों को याद है कुछ? Yes, sir. अच्छा प्रॉफिट बनाया था, अच्छा प्रॉफिट बनाया था आप लोगों ने NMDC? Yes, sir. खरीदा था, फिर बेचा था। 160 के अब मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को बिकवाया था, याद है ना आपको?
जब मैंने मैं बता रहा हूँ 160-165 के आसपास मैंने बिकवाया था, 162 पे मैंने बेचा था, मैं अपना बता रहा हूँ क्या, मैंने तो शायद कुछ 158 पे भी बेचा था। तो उसके बाद ये 170-175 तक गया और लोगों ने कहा सर आपने मुझे बिकवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए मित्र मैं आपको बता रहा हूं, मैं मेरी डीलिंग प्योर प्योर जो होते हैं वो एवरेजिंग की होती है। एवरेजिंग मतलब एवरेज पे खरीदो, एवरेज पे बेचो। वो ऊपर कहां जाएगा मुझे उससे मतलब नहीं है, नीचे कहां जाएगा उससे मुझे मतलब नहीं, ठीक है। अब फिर बता रहा हूं एनएमडीसी आपको खरीदने के लेवल पे फिर आ गया, जिसको भी अपने पोर्टफोलियो में एनएमडीसी रखना, पोर्टफोलियो के लिए बात कर रहा हूं, मैं टाटा स्टील को पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा था, टाटा स्टील मैंने प्योर ट्रेडिंग के लिए बताया था, लेकिन एनएमडीसी पोर्टफोलियो के लिए आप फिर खरीद के रख सकते हैं, मतलब आज के 2-3-4 साल के लिए आप इसको खरीद के रख सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे है, आप इसको इंजॉय करेंगे, आप मजा आएगा इस स्टॉक को रख के, आपको हर पैरामीटर से ये आपको एकदम। देखिए आरएसआई को देखिए, आरएसआई को देखिए, डीएमए को देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक आपको किस लेवल में मिल रहा है। फंडामेंटल से कोई मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं, अच्छा स्टॉक है, हमने कई बार, मैं तो खैर कई बार इस पर ट्रेड कर चुका हूं, मुझे पता है। ऐसे स्टॉक को खरीदने का फायदा क्या होता है कि अगर हमारा जो हमने कैलकुलेशंस की है, जो इसके बारे में सोचा है, वो ठीक चल गया तो आपको प्रॉफिट है, और अगर गलती भी हो गई, किसी भी कारण गलती हो गई, तो आपको नुकसान नहीं है, पता है कि आज नहीं तो कल चल जाए, आज नहीं तो कल चल जाए। लेकिन यही चीज, यही चीज अगर हम यस बैंक में कर दें, वोडाफोन में कर दें, पता चला क्रिप्टो में कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा आपको पता है। इसीलिए मैं कहता हूं नो कॉम्प्रोमाइज विद फंडामेंटल, फंडामेंटल से कोई कम। हाँ ताहिर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एनएमडीसी गवर्नमेंट कंपनी है, हाँ, और इसकी बुक वैल्यू, इसकी करंट वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है एकदम, जब तो बुक वैल्यू से जब ये नीचे आ जाए तब इसको लेना चाहिए फॉर पोर्टफोलियो। सर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या है, आपको एक चीज दिखा देता हूँ पहले तो, एनएमडीसी, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, वेरी गुड। देखिए जरा आप मुझे तो एक गवर्नमेंट कंपनी निकालिए, ध्यान से सुनिएगा ताहिर जी, एक गवर्नमेंट कंपनी निकालिए एनएमडीसी को छोड़ के जिसकी आरओसी 30 की हो। अच्छा ये तो देखना पड़ेगा सर, शायद देखिए ना, सर्च करिए, करिए आप लोग बताएं। डिविडेंड यील्ड भी 12% के आसपास है, 11.4 बता तो रहा हूँ। ये कहते ना, कुछ लोग कहते हैं ये गवर्नमेंट कंपनी के नाम पे कलंक है, गवर्नमेंट कंपनी की कोई क्वालिटीज नहीं है इसके अंदर, सारी प्राइवेट, एक प्राइवेट कंपनीज की जो क्वालिटीज होती है ना, वो सारी, ये सारी क्वालिटीज इसके अंदर है सारे। जैसे एक बैंक में भी आपको बता रहा हूँ, एक SBI एक ऐसा बैंक है जो ठीक है, नाम है गवर्नमेंट कंपनी का, लेकिन उसके अंदर हर मतलब आप उसके बैंक में जाइए, ब्रांचेज में जाइए, उसके ऐप को देखिए, सब कुछ आपको एक प्राइवेट कंपनी वाली फीलिंग बहुत देता है। आपने देखा होगा आप लोगों ने, तो सेम वे ये एक ऐसी कंपनी है। दूसरी चीज, एक चीज और बता रहा हूं इस कंपनी की, एक और खासियत बता देता हूं, इसके आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाइए तो आपको समझ में आएगा। जो जनरली FII बढ़ गए, देखिए जरा FII और DII को देखिए जरा, पिछले 3-4 सालों में जो FII 4% 4.5% थे वो 7% पे चले गए, और जो DII 18% पे थे वो 21% पे चले गए, दिख रहा है आपको। और पिछले 1.5 महीने में या 6 महीने में जो पब्लिक 12% पे थी वो 10 पे आ गए। तो पब्लिक तो देखो ऐसे ही है, तो आप लोग इसको, आप इसको रखिए, आप इसको एंजॉय करेंगे। नो डाउट पब्लिक ने पहले बढ़ाया था इसमें अपना स्टेक, लेकिन अब घटाया है। अगर हम ये भी देखें पिछले 10 साल में ये प्राइस तो बुक वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। क्या कह रहे हैं सर? इसका अगर हम पिछले 10 साल का ट्रैक देखें एनएमडीसी का, तो इसकी बुक वैल्यू जो है, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो 1 के आसपास ही रही है, मतलब एकदम रहती है सर। एक से मैं आपको और बता रहा हूँ, इस स्टॉक को खरीदने के बाद आज के रेट पे अगर जो खरीद लेता है, मैं आपको बता रहा हूँ आज के रेट पे इसको खरीद लो, ये स्टॉक कहीं नहीं जाता तो भी आपको FD के दुगना रिटर्न मिलता है। और बताओ, ये स्टॉक यही रहता है।
एफडी का डबल हर साल आपको मिलता है, बताओ कैसे? डिविडेंड के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में। अब आप बताओ, जब मेरा एफडी 5% का है, मुझे 12% का 10% का डिविडेंड मिल रहा है, स्टॉक कहीं मत जाए, क्या फर्क पड़ता है? डिविडेंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा कई टाइम से। डिविडेंड जैसे कंपनीज नॉर्मली कब डिक्लेयर करती है कि हमारा पास वो कब शेयर किस टाइम पर होना चाहिए? सर वो गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है एक्चुअल में, तो जब वो अपना रिजल्ट बनाते हैं तो डिक्लेयर करते हैं जनवरी फरवरी मार्च में, लेकिन इंटरिम डिविडेंड भी देती है गवर्नमेंट कंपनियां। तो जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो देखती है कहां से पैसा निकाल सकते हैं, वहां डिविडेंड डिक्लेयर करवा देती है, डोंट वरी। ठीक है, तो वो कोई वो नहीं है, लेकिन रूल के हिसाब से यही होता है कि जब रिजल्ट आएगा तो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं कंपनी। अब ऐसी भी कंपनियां हैं एमआरएफ जैसी कंपनियां 70-75 हजार की जो 3 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर करती है, 75 हजार की कंपनी और 3 रुपए का डिविडेंड, मेरे को भी मिला था इस बार। कुछ कंपनी जैसे डिविडेंड यील्ड अच्छा है आजकल टाइम में, हमारा वोलेटिलिटी का चल रहा है। सर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप में से कोई ऐसा है जो रिटायरमेंट वगैरह वाला है, जो रिटायर हो रहा है, कोई ऐसा है जो 58-60 एज वाला है, वो अगर ऐसी कंपनियां एनएमडीसी जैसी कंपनियां, दो तीन कंपनियां और मैं बता दूंगा, मुझसे पैसे मैंने पहले बताए हुए हैं, तो अगर आप आईटीसी भी देती है अच्छा डिविडेंड, आईटीसी ले लीजिए, एनएमडीसी ले लीजिए, कोल इंडिया ले लीजिए, हैं तो अगर आप 5 कंपनी में लगा देते हैं 10-10 लाख रुपए, सब में लगा दिए, सब 5 में 50 लाख रुपए लगा दिए, तो आपका पेंशन अपने आप हो जाए, कुछ कंपनी कही है। ठीक है, तो वो सब बात की बातें हैं, खैर वो उनके लिए है जो उनको पैसे को ग्रो नहीं करना, सेफ है, सिक्योर है, डिविडेंड आ रहा है, हर महीने पैसे आ रहे हैं, मतलब साल में एक बार आया उसको महीने बाद निकाल दिए और आप उसको खा रहे हैं, उनके लिए नॉट फॉर यू। जिंदल स्टील का एक बार बता दीजिए सर। हाँ जी, जिंदल स्टील का सर। किसका? जिंदल स्टील। हाँ वो मैं बताता हूँ सर। जी, मैं स्टील कंपनियों पर तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए जिंदल स्टील एंड पावर जिंदल स्टील यही होगा सर ना, यही वाली ना। हाँ, हाँ सर, इसमें भी एक ये देखिए सर, बहुत ही अच्छा, यही एक इसका करेक्ट लेवल है बाइंग का। ठीक है, आज के कुछ दिन पहले लोगों ने मुझसे पूछा था क्या यहाँ पे कहीं क्या मैं इसको बाय करूं, बहुत नीचे आ गया है, ये हो गया है 500 से घट के 400 पे आ गया है, दैट वॉज नॉट द करेक्ट लेवल। अगर आप देखेंगे फिर वही बात, मैं आपको दोबारा चार्ट दिखाऊंगा, इस चार्ट को देखें समझे, ये एक करेक्ट लेवल है बाइंग का। और क्या ये कहां मिल सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जिंदल स्टील एंड पावर अगर आपको रखना है फॉर द पोर्टफोलियो तो करीब आप 320, मतलब यहां से थोड़ा थोड़ा खरीद के 320 तक के लेवल को आप वेट करिए। अगर मान लो आपको 20 स्टॉक खरीदने हैं तो आप क्या करेंगे, 5-7 यहां खरीद दिए, फिर नीचे आया, देखो नीचे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको इस 360 तो अभी मिलेगा, अभी इसी रन में 360 मिलेगा, 360-365 मिलेगा, जिसने पूछा मैं उसके लिए बता रहा हूँ, तो वहां पे थोड़ा खरीद दिए, लेकिन एक्चुअल लेवल आपको मिलेगा वही 310-320, दैट विल बी द लेवल ऑफ बाइंग फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो ठीक है सर, आई होप मैं आपको बता पाया, क्लियर है? पूना वाला फाइनेंस ने तो नीचे जाना ही जाना, उसका कोई इफ बट है ही नहीं कि ना जाए। देखिए जरा ये इसका चार्ट है, क्या ये नीचे जाएगा? और जल्दी बताओ मेरे जितने स्टूडेंट है अग्रवाल वाले, वो बताओ और नीचे जाएगा सर, कहां तक जाएगा? जाएगा सर, 40 सर, जहां तक अपना ये नॉर्मलाइज। ये देखिए मैंने अपना चार्ट लगा दिया है, लिख लीजिए अपने बोर्ड पे 120 से के आसपास, 120-130 सर। हाँ 120-130 मतलब हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, आप अपन से बता दो। अच्छा, मेरी कैलकुलेशन कहती है कि 170 से नीचे तो इसको सोचना भी नहीं, इस स्टॉक को 170 के नीचे तो सोचना भी नहीं। जैसे अभी मैंने कहा टाटा स्टील थोड़ा सा खरीद लो, वो क्या नाम है जिंदल स्टील थोड़ा सा खरीद लो, कहा ना मैंने, लेकिन अभी इसकी बात अगर कोई कहे तो मैं कहूंगा इसको सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं खरीदने की, तो बात ही छोड़। अब 170-180 के नीचे
धीरे धीरे सोचना शुरू करेंगे और खरीदेंगे इसको आप 117-120 तक, एकदम सही बताया था। तो ये तो मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हो गए आप लोग, हफ्ते में एक एक दिन क्लास लेना शुरू कर दिया। अब नहीं सर तुक्का बढ़ाया सर, वैसे भी दो हफ्तों में हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वैसे भी दो हफ्तों में हो रहे हैं सर, क्लास हो रही है सर। नहीं नहीं हफ्ते में क्या कह रहे हैं मैम, किसी ने बोला कुछ क्लास के लिए? नोसिल, आई वांटेड टू नो नोसिल का क्या है, आई मीन ये सुन रहे थे हम, इट्स गोइंग टू गेट बेटर। अच्छा नोसिल बेटर होगा, चलिए लास्ट ले रहा हूं, उसके बाद मुझे एक चीज और डिस्कस करनी है, नहीं तो रह जाएगा। स्टील सेक्टर हो गया, ये है नोसिल, क्या करती है मैम नोसिल? मुझे तो नहीं पता सर। केमिकल्स आ रहा है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज केमिकल। हां जी, ये रबर केमिकल्स है, रबर केमिकल्स। अच्छा एक बार मैं इसका फंडामेंटल देखना चाहूंगा। नोसिल मतलब समबडी इज अ टारगेट ऑफ टी 302 और समथिंग, उसका उतना ही टारगेट था शॉर्ट टर्म में। 500 से 1500 तो हुई है सर। हां जी 500 से 1500 तो हुई है ये कंपनी। 1500 तक हुई है? हाँ 500 से 1500। अच्छा अब मुझे इसका 10 सालों में इसका सेल्स तो ठीक ठाक बता रही है, रेवेन्यू भी ठीक बता रही है, अब मुझे बस इसका बोरोइंग्स देखनी है। ठीक है, और बोरोइंग्स कम हो रही है सर? हाँ जी बोरोइंग्स कम हो रही है। इनफैक्ट भाई मैं नहीं देता स्टॉक को, जिसको लेना ले लो। कौन ले रहा है बताइए? मैं नहीं लूंगा, मैंने स्क्रीन पे लगा लिया, मैं नहीं लूंगा। पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, प्रमोटर्स बहुत कर रहे हैं, पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है, पब्लिक बहुत ज्यादा है, पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, मतलब इतना खुशी मिलती है ना मुझे आप लोगों से बात करके। अब सर एक और शेयर का पूछना था सर, अल्काइन अमीन का सर पूछना था, 40% गिर गया, अब लें क्या सर उसको? बस मैंने आपको बता दिया ये तो नहीं लेना। ओके सर ये नहीं लेंगे। ठीक है सर, आपने शुरुआत में आईटी इंडस्ट्री की बात करी थी। किसकी? आईटी इंडस्ट्री। आईटी तो मैंने बता रखा है कब लेना है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कई लोगों ने पूछा आईटी गिर गया, आईटी गिर गया क्या करना है। अल्काइन एक क्वेश्चन है सर, यही स्पेलिंग क्या है अल्काइन की? नहीं सर अल्काइन अमीन, ALKIN अल्काइन यही है? नहीं सर, नहीं सर ALKYL ये भाई है। सर मुझे इसका स्पेल नहीं पता है। ALKYL सर, ALKYL देखिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ये किसी, हाँ बताइए 40% गिर गया जी कह रही हैं, क्या सही कह रही हैं? ये देखिए नो, ये कह रही है 40% गिर गया, कितने लोग इनका साथ देंगे बोलिए? नहीं नहीं सर और गिरेगा भी। देखिए यही है कि हम जब फंसते हैं, ये कह रही है 40% गिर गया, मैं अभी कह रहा हूं लिख लीजिए इसको लेवल को, जिसने भी मैडम ने पूछा है लिख लीजिए 1250। मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट, यस सर, प्लीज राइट दिस लेवल 1250। अगर मैं इसको सोचूंगा तो अभी पता नहीं, फंडामेंटल मैंने देखे नहीं है, लेकिन अच्छी है सर फंडामेंटल। आपको याद होगा पिछले 2-3-4 सालों में केमिकल 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 रोज केमिकल केमिकल होता था, याद है आप लोगों को? सर ये जो पीने वाले सिरप होते हैं ना खांसी वगैरह के, उसमें डलता है, तो कोरोना में काफी बढ़ा था सब कुछ, एक सिरप ही चलते थे उस टाइम में। अब तो कोरोना होने के बाद भी कुछ नहीं होता। तो ठीक है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, मैं आप लोगों से कहूंगा इसको हम नहीं खरीदेंगे। देखिए ये जो रन है ना, मैं बार बार कहता हूँ इस रन को अवॉइड करो, ये रन किसी भी स्टॉक में ऐसा रन आए, ये देख लीजिए इसको, प्लीज उस स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नहीं लेनी। शुगर भी डली है। ठीक है नाउ सर एक क्वेश्चन है, NMDC आप बता रहे हो ठीक लेवल पे है, तो वो पोर्टफोलियो का कितने परसेंट रख सकते हैं? NMDC 3% मेरे पोर्टफोलियो में इस समय प्रेजेंटली हो गया है, आपको कितना रखना आप देख लीजिए। NMDC मैंने 3% कर लिया, मैं आपको बता रहा हूँ मैंने पिछले 2 दिन में केवल और केवल स्टील उठाए हैं, जिसमें NMDC फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, मतलब इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि NMDC मैं 15 साल के लिए उठाया, 2-3 सालों के लिए। ठीक है ठीक है क्या? और टाटा स्टील उठाया है थोड़ा सा मैंने, प्योर ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ठीक है सर,
और मैंने आप लोगों को सर मैसेज भी भेजा था कि मैं मकान बनाने के लिए स्टील खरीद रहा हूँ सर, ओल्ड एज में। सर तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैं ओल्ड एज में जा चुका हूँ, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा तो कोई स्टील नहीं लेना ना? नहीं, और इसके अलावा और कोई स्टील अभी लेने लायक। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, बजाज ऑटो और बता दीजिए प्लीज। बजाज ऑटो कितने टाइम के लिए खरीदना है मैम? ये जब बजाज वगैरह खरीदना था तो मैंने आज के 2-3 महीने पहले बहुत बोला था आप लोगों को, याद है आप लोगों को? किसको किसको याद है मैंने बजाज खरीदने को? हीरो मोटो को, बजाज मोटो, सबको मैसेज दिया था आपने, दिया था ना? देखिए एक टाइम ऐसा था जब ऑटो चल ही नहीं रहा था, आज वो टाइम है जब बैंक चल ही नहीं रहा, एक टाइम ऐसा था जब कोलगेट एफएमसीजी गिरे हुए थे, आईटीसी पे जो लोग बनाए थे आईटीसी नहीं चलता, आज पूरी मार्केट नहीं चल रही तो आईटीसी चल रहा है। तो देखिए यही बात है कि जब कुछ ना चले तो उसे आपको खरीद, देखो अच्छे वाले स्टॉक टोटल 20-25-30-40-50 है, जो आपको उसमें से जो नहीं चल रहा वो आपको खरीदना है। आज क्या नहीं चल रहा बताइए, आज क्या नहीं चल रहा? आज बैंक नहीं चल रहा, सर बैंक और आईटी। हाँ जी, हाँ आज बैंक नहीं चल रहा। देखो आईटी तो अभी अपने लेवल पे आया नहीं है, आईटी तो जब आएगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। आईटी देखिए शायद आप लोगों को याद नहीं है, मैं बार बार हर क्लास में बताता हूँ अभी आईटी कब खरीदना है। लीजिए मैं बता देता हूँ, मैं टीसीएस कब खरीदूंगा, मैंने टीसीएस बाय बैक करके खरीदा था, मैंने आप लोगों को बताया भी था, बाय बैक से उसके प्रॉफिट का निकाल करके एवरेजिंग कर ली थी मैंने, जो भी किया था उतना, इस बार बाय बैक ज्यादा हुआ नहीं जितना होता है हर बार, तो उसमें मेरा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ। बाय बैक हर बार 50% होता है, इस बार बायबैक केवल और केवल 20% हुआ, तो जिस पर्पस से मैंने टीसीएस खरीदा था वो मेरा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसके आसपास मैं कहीं टीसीएस को खरीदना शुरू करूंगा, देख रहे हैं रेवल 3000, आप लोगों को कर लगता होगा क्या मजाक वाला आदमी है, कुछ भी बोल देता है। 3000 से मैं टीसीएस को फिर एक्वायर करना शुरू करूंगा थोड़ा 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 थोड़ा, और बहुत अच्छा लेवल तो मुझे मिलेगा अगर बहुत अच्छा, जिस दिन मैं कहूंगा मैं लूटूंगा टीसीएस को, वो लेवल होगा 24-2500 का। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं बजाज फाइनेंस लूट रहा हूं, मैं लूट रहा हूं, आज मैं एचडीएफसी बैंक लूट रहा हूं, वो लूटने के लेवल पे है। तो उसी तरह 23-24-2500 लेवल का जो होगा टीसीएस का, वो लूटने का लेवल होगा। थोड़ा थोड़ा एक्वायर करने का लेवल जो आएगा वो करीब 3000-2900 वो आएगा, थोड़ा थोड़ा एक्वायर करना शुरू कर देंगे, कभी 2 स्टॉक खरीदिए, कभी 4 खरीदिए, कभी 5 खरीदिए, ऐसे। ठीक है, तो यही आप करेंगे तभी आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा। आज क्या आईटी खरीदना है, मैं कई क्लासेज में आप लोग को बता चुका हूँ, आपको लग रहा है आईटी बहुत नीचे है, मैं आपको बता रहा हूँ आईटी अभी नीचे नहीं है। इस रन को जो समझ पाएगा, ये जो रन हुआ था कोरोना के बाद किसी भी आईटी में, ये देखिए इंफोसिस दिखाता हूं मैं आपको, मैंने भी एक स्टॉक खरीदा था ऊपर के लेवल पे, मैं भी फंसा हुआ हूं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, जब मैं 20 साल के लेवल के बाद मैं खरीदता हूं, मैं भी कहीं गलत हो सकता हूं, तो आप कहीं गलत हो गए तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा स्टॉक, इसलिए मैं बार बार कहता हूं अच्छा स्टॉक, अच्छा खरीदा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका एक वो गलत हुआ है, वो थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेगा। गलत स्टॉक खरीद लिया तो दिक्कत होगी, याद है हमने विप्रो खरीदा था, सबको याद है? यस यस। ठीक है, अब देखिए ये इंफोसिस ऊपर से जब गिर रहा था सबने कहा इंफोसिस नीचे आ गया नहीं, अभी भी इंफोसिस, ये देखिए बहुत गिरा हुआ है, लग रहा ना गिरा हुआ है, लेकिन मैं इंफोसिस कहां खरीदूंगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इंफोसिस खरीदूंगा 1350। सर आप फिर से खरीदोगे? हमने तो खरीद लिया सर, जब आपने बोला था खरीदेंगे तो क्या हो गया, मैं इंफोसिस ओके ओके सर, ये तो अगले महीने सैलरी आएगी तो सेविंग नहीं करोगे क्या? यस यस ओके सर, खरीदेंगे ना, ये तो देखो कितना अच्छा गैप, देखो इंफोसिस, देखिए इंफोसिस, विप्रो, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, ये ऐसे स्टॉक है, पीडी राइट, ये तो मैम जब पैसे हो अच्छे लेवल हो
देखता है अच्छा हर बार तो नहीं खरीद सकते, तो देखो जब आपके पास 20,000 आए या 25,000 सेव हुआ आपके पास, तो कौन सा लेवल है इस समय गिरा हुआ वो खरीदो, फिर अगला देखो, हर बार कोई ना कोई आपको नीचे मिलेगा, फिर खरीदूंगा, एकदम खरीदूंगा मैं इन्फोसिस तो जिंदगी भर खरीदूंगा। आज ही मेरे किसी से बात हो रही थी कि सर आप बेचोगे कब, मैंने कहा मैं कभी बेचूंगा नहीं, मुझे मैं भगवान से मनाता हूँ मुझे बेचना पड़े ही ना सर। एशियन पेंट का लेवल आएगा तो बता देना प्लीज। हाँ क्या कह रहे हैं सर, एशियन पेंट का लेवल आएगा तो बता देना सर। एशियन पेंट का जब लेवल आया था पूछिए यहाँ बैठे हुए लोग कितने बार मैंने खरीदवाया, तब तो लिया हुआ है और लेना सर। हाँ पूछिए लोगों से मैंने खरीदवाया कि नहीं खरीदवाया। यस सर खरीदवाया। इंफोसिस का दोबारा लेवल कौन सा बोला आपने कि खरीदोगे? 1200 में इंफोसिस का 1250 ठीक है। ओके ये देखिए जब जब एशियन पेंट आया था ऐसे ऐसे मैसेज में बना के मोटिवेट करने के लिए आप लोग को भेजता हूँ कि हाँ समझो लूटो, लेकिन अब वही है जब लेवल आएगा। क्या आज 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 मैं आपको पिछले एक डेढ़ महीने से क्या मैंने आपको एशियन पेंट का एक भी मैसेज भेजा? किसी से क्योंकि खरीदने का लेवल ही नहीं है। क्या मैंने आपको HUL का कोई मैसेज भेजा? और आप कुछ आप बताइए कि आज आज के 4 महीने पहले क्या देखिए आप अपने चैट्स में देखिए HUL के कितने मैसेज आए होंगे आपके पास? सर HUL तो रॉक कर रहा है सर। हाँ सर इस लेवल पे खरीदा था याद है ना आप लोगों को, तो देखिए आपको हर स्टॉक एक लेवल देगा याद करिए। अब मुझे रोज मैसेज आते सर HUL खरीद लो, और जब मैं कह रहा था HUL खरीद लो तो नहीं, आज मैं कह रहा हूँ डाबर खरीद लो, फिर मैं बता रहा हूँ क्या खरीद लो डाबर। आप कहोगे नहीं खरीदूंगा मत खरीदू मत खरीदो, मैंने तो खरीदा है, मैं तो चौन पास खड़ाऊंगा। भेजा है मैंने आप लोगों को मैसेज ये? यस सर। हाँ तो आपको हर स्टॉक मौका देगा, समय आएगा, समय का वेट करना है। बहुत अच्छे लेवल पे डाबर आया है, इसको खरीदिए, चौन पास खाने के काम आएगा, ओल्ड एज के चौन पास का काम होगा। सर हीरो मोटोकॉर्प का देख लो, अभी तो बताया है अब नहीं खरीदना है, अभी किसी ने बजाज उसमें रिटर्न मिल रहा है 15%, तो बेच दोगे क्या? ये पूछ रहा हूँ सर, पैसे की जरूरत है? ये अभी तो नहीं है रिक्वायरमेंट। फिर क्या करोगे, क्यों बेचोगे? ये जैसे अदर किसी में और ट्रांसफर करना है तो कुछ नहीं करना सर। देखिए हीरो मोटोकॉर्प बेचना, अगर आपको बेचने का मन करेगा तो मैं बता रहा हूँ 3650-3600 के आसपास बेचना शुरू करेंगे, अभी तो नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है सर। सर वेदांता टेलर प्लेटफॉर्म, वेदांता अभी जब भागना शुरू हुआ था तो लोगों ने बहुत आपको नीचे लग रहा है क्या मयंक जी? सर थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा नीचे लग रहा है सर। हाँ ये देखिए यार नीचे है या ऊपर है बता दीजिए। वेदांता की एक रेंज है, देखिए एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस उसके बीच में घूमता रहता है। हाँ तो इस ये इसकी एक रेंज है कुछ, ये एक ऊपर की ये एक नीचे की, ये आप घबरा जाएंगे इस रेंज को देख के, मतलब 80 से लेके 400 का रेंज है, अभी ये अपने रेंज के ऊपरी स्तर पे है। या तो ये इसको तोड़ के ऊपर निकल जाए तो सोचेंगे कुछ क्या करना है देखेंगे, या फिर इसको दोबारा कहीं यहीं, अब आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, 100 की बातें कर रहे हो आप जब जब मैंने यहाँ पे किया होगा ना 100 की बात तो भी आप जैसे किसी ने कहा होगा तो यहाँ आया, फिर यहाँ किया होगा फिर यहाँ आया, फिर यहाँ किया होगा फिर यहाँ आया, फिर मैं यहाँ कर रहा हूँ फिर यहाँ कर रहा हूँ, क्या ये यहाँ आएगा पता नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में तब सोचूंगा जब इस रेंज के बाहर निकल जाए, रेंज के बाहर निकल जाएगा तो मैं सोचूंगा। ये प्योर टेक्निकल चीज है, प्योर जब भी कोई स्टॉक रेंज में फंस जाए तो उसको या तो सिंपल लॉजिक है लोअर लेवल पे खरीदो अपर लेवल बेचो, लोअर लेवल पे खरीदो अपर लेवल पे, या फिर रेंज को क्रॉस करने, या फिर रेंज को क्रॉस कर। इसका RSI काफी नीचे आया हुआ था। हाँ जी RSI बहुत नीचे आया हुआ था इसका, RSI नीचे आया हुआ ठीक है, तो इसलिए आपको खरीदना है? नहीं मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर, मतलब अच्छा RSI के बेसिस पे हम स्टॉक कितने समय के लिए खरीदना चाहते खरीदते हैं सर? लॉन्ग टर्म, मतलब आपने कहा था कि 30 के RSI तो खरीदो। हाँ, तो क्या आप अगर 2-3 साल के लिए वेदांता खरीदना चाहते हैं? सर मैं तो पोर्टफोलियो स्टॉक से ज्यादातर लेता हूँ।
तो अगर आपको दो तीन साल के लिए खरीदना है मित्र, तो एनएमडीसी बहुत अच्छे लेवल पे है। दिखाता हूँ वेदांता को, थोड़ा हम फंडामेंटल देख लेते हैं, जरा आपको एक चीज दिखाता हूँ। आज वेदांता के फंडामेंटल देख रहा था, मुझे बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगे। देखिए वेदांता का प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है और आपका आरओसी भी अच्छा है, ठीक है। डेट है कंपनी के ऊपर कि नहीं है देख लेते हैं। विस्तार स्टील कंपनी है, डेट तो होगा ही, डेट ठीक ठाक है, नहीं बहुत ज्यादा डेट है, ठीक ठाक नहीं है डेट, 80% का डेट है कंपनी के ऊपर। और उसके बाद इसकी होल्डिंग जो है प्रमोटर होल्डिंग तो बढ़ी है, यानी हम खरीद सकते हैं मित्र, लेकिन थोड़ा सा और वेट कर लो, मैं यही कहूंगा। yes, मैंने इसका थोड़ा सा, अगर मुझसे आप पूछोगे तो किस लेवल पे वेट कर लो, एटलीस्ट अगर आपको पोर्टफोलियो में रखना है तो एटलीस्ट 260 का वेट कर लो। ऑलराइट सर, चलो एक काम करते हैं, एक काम करो आप लोग इस लेवल को लिखो और मैं आपको 30 डेज चैलेंज देता हूं, 260। ओके सर, इस लेवल पे खरीदने की कोशिश करेंगे, जो गैप रह गया वो मेरी तरफ से आप ले लो। 305 पे है, किसको किसको लग रहा है आएगा लेवल? एब्सोल्युटली आएगा सर, मैंने तो 260 कह दिया तो आएगा ही सर। हां कह दिया तो आएगा ही, ये बहुत अच्छा लेवल होगा, इस लेवल पे आप थोड़ा सा बाय करके रह सकते हैं। स्टॉक अच्छा मैंने देख लिया, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, ठीक है। मैंने कभी अपने अपने पोर्टफोलियो के लिए कभी वेदांता कभी कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि ठीक है। एक्चुअल में आप लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को मैंने आप लोगों से कमोडिटीज कंपनीज की बात की थी एक बार, याद है आपको कमोडिटीज कंपनी? तो वेदांता, टाटा स्टील, ये सब कमोडिटीज कंपनीज है। और कमोडिटीज कंपनीज में मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो, क्या सिखाया हुआ है बता सकता है? कमोडिटीज कंपनी उसको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना है, निकल जाना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। एक्सीलेंट रंजना, एकदम इंटेलिजेंट हो गया। देखिए कमोडिटीज कंपनी, कमोडिटीज का एक साइकिल होता है, आप लोग को बता रहा हूँ थोड़ा सा पीछे। अगर कमोडिटीज का एक साइकिल, कभी कभी शुगर का साइकिल चल रहा होगा, कभी कभी आपका स्टील का साइकिल चल रहा होगा, कभी आपका रबड़ का साइकिल चल रहा होगा। तो जब वो नीचे साइकिल में नीचे आए तो, और ये किसी भी कमोडिटी में, इसलिए मैंने आपको इसका देखिए, ये वेदांता का चार्ट, इसका लॉन्ग टर्म। देखिए आज आपको लग रहा है वेदांता ऊपर है, लेकिन अगर सोचिए कि किसी ने वेदांता खरीदा होता 2009 में, 2009 में उसने 400 का वेदांता खरीदा और आज भी वो 400-300 पे है, क्योंकि वो साइकिल को नहीं पहचान पाता। तो कमोडिटीज का एक साइकिल होता है, जब वो अपवर्ड मूवमेंट पे हो तो उसे आपको खरीदना है और डाउन मूवमेंट पे निकल जाना। जैसे मैं आपको बताया, अभी अगर आगे किसी को कमोडिटी खरीदनी है तो इस समय जो कमोडिटी खरीदने वाली है वो है शुगर, मैंने आपको बताया हुआ है, शुगर आप खरीदिए। और उसमें भी मैंने आपको एक स्टॉक बताया हुआ है, अगर आपको बजाज हिंदुस्तान मैंने खरीद के रख लिया है, क्या होगा? और किसने खरीदा है सर? मैंने भी खरीदा सर, हमने खरीदा क्यों है एक बता सकते हो? एक बड़ी बात सर, हमने भी खरीदा हुआ है, मेरे पास 500 शेयर है, मगर मैंने को रीजन नहीं पता क्यों। अच्छा क्यों खरीदा नहीं पता सर? आपने बोला था इसलिए ले लिया मैंने। अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इस चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कंसोलिडेशन है, देखिए कुछ लोगों ने कब खरीदा, अभी कुछ लोग पहले अभी अल्काइन एमाइन की बात कर रहे थे ना, उनको बता रहा हूँ वो इस ये देखिए, ये मूवमेंट, इस मूवमेंट को देखिए, ये मूवमेंट देख रहे हैं यहाँ पे अल्काइन एमाइन का, ये मूवमेंट है। हाँ जी सर, ये देखिए। लेकिन मैं खरीदने की बात करता हूँ जब ऐसा चार्ट हो, मतलब जब ठीक है एकदम। अब इसके बाद कोई कुछ ऑप्शन है इसको नीचे जाने का? नो सर, वहीं से शुरू, वहीं से हुआ था बस। तो ये अब कुछ नहीं, अब इसको खरीद लिया, आराम से रख दो 3-4-5 सालों के लिए। आपको मरे से मरे हालत में मैंने आपको बता दिया है कि इसका मेरा टारगेट 100 रुपए का है, मैं 100 रुपए के आसपास बेचना शुरू करूंगा, 90 के आसपास। आप क्या करेंगे आपकी मर्जी है, क्योंकि आप लोग को ऐसा है, मेरे पास अभी भी किसी मित्र ने कहा सर 15% प्रॉफिट होना, बेच दें 20%। देखिए मैं जब कोई नया मेरे से ज्वाइन करता है तो
तो मैं कोशिश करता हूं कि अगर आपने मुझे 2000 रुपए फीस दिए थे, एक दो ट्रेड करा के आपको 2000 फीस दिखा दो, ताकि मेंटली आपको ये हो जाए कि भाई हमने सर की क्लास फ्री में कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको दो चार ट्रेड करा दिए, करा देता हूं। अदरवाइज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, कहां से पैसा आएगा, इन्वेस्ट कैसे कर, निकालने के बारे में सोचिए, लगे रहें। कई बार आपको होगा यार सर ने बेचवाया नहीं, ये तो इतना ऊपर गया था, बेच देते फिर नीचे आ जाता। अरे किसी को नहीं पता होता, कोई, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी 10 साल ले लीजिए, ध्यान से सुनिए, कोई भी 10 साल, एक आदमी मुझे बताइए जिसने उस 10 साल तक उस स्टॉक में ट्रेड किया, दूसरे आदमी ने, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूं मैं, फिर वही बता रहा हूं, फंडामेंटल से कोई कदम, दूसरे आदमी ने उस स्टॉक में 10 साल छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जिसने छोड़ा होगा उस पर ज्यादा पैसे बना होंगे, किसी बिना सोचे, बिना टेंशन से। क्या करना है, बच्चे पालो अपने आराम से, बच्चों के साथ टाइम बिताओ, क्यों टेंशन लेना है, क्यों बीपी बढ़ाना है, कुछ नए काम करो। अभी मैं 2 दिन पहले देवरिया गया था, मैंने आप लोगों को फोटो भेजी होगी, मैं एक स्कूल के वर्कशॉप पे गया था स्ट्रीम सेक्शन के, मतलब वहां देख के मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब क्या स्कूल है, इतना बड़ा स्कूल, सनबीम स्कूल देख के दिल खुश हो गया, लेकिन वही है कि रिसोर्स नहीं है वहां पे, लोग नहीं है, बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो कुछ अपने आप को, आप लोग कुछ यूट्यूब चैनल्स देखो, कुछ सीखो, कुछ रिसोर्स बनो, बहुत रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट। बेचारे स्कूल वाले ने फ्लाइट से टिकट भेजी, मैं यहाँ से गया आया, होटल में अरेंज किया, खाना पीना, मतलब सिटी में बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे मेरे नाम के, मतलब जैसे होता है किसी नेता के लगा देते हैं वैसे होर्डिंग लगा रखे, मेरे को देख के आश्चर्य हुआ कि यार क्या मजाक है उनको, मतलब तो मैं बता रहा हूँ रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। कुछ अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करो, 2 साल आप लोग वर्क करेंगे, आप कुछ कर लेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, शुगर एक्सपोर्ट पे भी गवर्नमेंट ने कुछ चार्ज निकाला है ना, उसकी वजह से डाउन आया है। कोई बात नहीं सर, ये जो न्यूज है ना जिसकी वजह से डाउन, देखिए आप जिस डाउन की बात कर रहे हैं ना, देखिए ये स्टॉक पिछले 3 महीने में 10 बार 5% का ऊपर सर्किट लगा होगा, 10 बार नीचे सर्किट लगा होगा, ठीक है। ये देखिए ये ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, ये इससे मटर ही है सर। अच्छा, अदानी विरवर में किसी को डर लगना शुरू हो गया दोबारा, कोई है जिसको डर लग रहा? आज किसी का आया था मैसेज मेरे पास कि सर बेच दूं क्या करूं, कोई है क्या जो बेचने के मन में है? सर 980 बोल रखा है, वहीं तक जाएंगे। हाँ जी, आपने 980 बोल रखा है उसका, तो मैं तो भाई उसी पे बेचूंगा, मैं 920 के ऊपर बेचूंगा। हाँ, तो मैं तो देखो अभी 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 जब 600 कुछ आया था तो मैंने फिर बोला था आप लोगों को, 610-12 पे एक दिन मैंने कहा था आपके पास मैसेज होगा अदानी बिल्कुल, हाँ 606 पे बोला था। हाँ, तो उस दिन मैंने फिर खरीदा था, तो मैंने आपको बता दिया था। उससे अगर आप देखें 606 से देखें तो आज 600 आज के रेट में भी देखें तो आपको 15% प्रॉफिट हो रहा होगा। तो 700 रुपये सर आज, हाँ जी 700 रुपये आज, आज 700 है तो 15 तो, लेकिन क्या अभी बेचना, मैं तो अभी भी नहीं बेचूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब बेचूंगा तो बताऊंगा आपको, 920 के ऊपर बेचना शुरू करूंगा थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा खरीदता हूं। मेरा यह है कि मैं इकट्ठा नहीं खरीदता कभी भी स्टॉक का, ये नहीं कि हाँ जी आज ही सब कुछ खरीदे, थोड़ा थोड़ा खरीदता हूं। पता है मुझे कि हाँ जी ये स्टॉक मुझे 5,00,000 रुपए का खरीदना है, तो कभी 50,000 खरीद दिया, कभी 1,00,000 का खरीद दिया, कभी 10,000 का खरीद दिया, डिपेंड नहीं हो पाँच रुपये, ठीक है हो गया। उसी तरह जब बेचना सबका एक लेवल है, मुझे पता है इस लेवल के बाद बेचना है, तो उसको धीरे 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 बेचना। लेकिन हाँ जी, टेनला प्लेटफॉर्म करके सर ये कंपनी है। फिर सर ये कौन क्या करती है सर ये टेनला प्लेटफॉर्म? सर ये आईटी के स्क्रीनर पे आप एक बारी सर फंडामेंटल देख लीजिए सर इसके। नहीं सर, करती क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, एप्स वगैरह बनाती है। अच्छा, आप यूज करते हैं मोबाइल? हाँ सर, यूज नहीं करता मगर मैंने स्टडी करी तो इसका आरओसी अच्छा था सर, अगर आप एक बार देख लें सर। ये चार्ट देखिए सर, ये चार्ट मुझे डराता है सर। मैंने ये बहुत पहले खरीदा हुआ था, आपने मुझे इसमें एग्जिट करने के लिए बोले, मैं तो निकल गई थी। निकल के फायदे में रहे नुकसान में रहे? सर फायदे में थी, तब से ये ऊपर ही नहीं गया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, टनला प्लेटफॉर्म इसका आईपीओ आया था आई थिंक 2017-18 में। जी सर, 40 रुपए से 1300 रुपए, आप समझ रहे हैं क्या होता है ये, मतलब
₹40 की कंपनी ₹1300 हो गई। सर चलिए एक बार आप लोगों को, वैसे तो मैं कई बार सिखा चुका हूं, मैं देखिएगा टनला, देखिए इसको समझ लीजिएगा आप। टनला प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू 2018 में क्या था, 2018 में ये कुछ ₹700 के शेयर करते थे, देख पा रहे हैं सर जी? सर और आज ये 3000 के शेयर करते हैं, कितने गुना हो गया सर? हाउ मेनी टाइम्स? अब 2018 में इसका प्राइस कितना था देखिए जरा, प्राइस कितना? 37 अप्रोक्स, 37। आज कितना है? ओके 1300। कितने टाइम्स हो गया, कितने टाइम हो गया सर? डिवाइड करना पड़ेगा सर, 1200 400, ये करीबन 300 गुना हो गया सर मेरे ख्याल से। बस क्या आपको को समझ में आई? हाँ सर निकल, मैं प्रॉफिट में सर, मैं कल भी दूंगा इसको। अगर देखिए 40 से कोई कंपनी 1300 हो जाए उसमें मुझे अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या उसका प्रॉफिट, क्या उसका रेवेन्यू वो जस्टिफाई करता है? अगर करता है तो इन्वेस्ट कर। मैं जब कई बार कहते सर ये रन हो गया, आपने कहा था ये रन में नहीं खरीदता, नहीं, क्या ये रन उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट से जस्टिफाई हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो खरीदिए, तो खरीदिए, ठीक है। तो जिस आरओसी की आप बात कर रहे हैं, एक चीज और दिखा देता हूं मैं आप लोगों को इस कंपनी को, मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया हुआ है इसके बारे में, ये देखिए जरा इसकी बुक वैल्यू देखिए सर, देख रहे हैं ₹100 और कितने की है, तो 3 times है सर बुक वैल्यू, हाँ तो 5-6-7 टाइम समझ में आती है, बहुत हो गया सर, बहुत ज्यादा, मतलब कहीं कुछ एक ना कहीं फंडामेंटल से कहीं कुछ मैच नहीं कर रहा सर। हो सकता है टेक्निकल उसमें आपको मिल जाए थोड़ा बहुत रन में मिल जाए, लेकिन दिस इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। इतना मैं आप लोग को बता सकता हूं, आज के 10 साल, बड़ा बड़ा टाइम है इसलिए बड़ा मुश्किल है इस चीज को करना और कोई वेट करना, 10 साल के अंदर अंदर ये कंपनी मैं आपको 275 के आसपास दे दूंगा, अगले 10 सालों के बीच में, कब दूंगा नहीं पता, इसको नोट कर लीजिएगा सर कहीं अपने डायरी में, 275, ठीक है, इस प्राइस को नोट करिए। क्या ये 1300 से 2000 हो जाएगी? हो जाएगी पता नहीं, लेकिन ये 275 भी होगी, क्योंकि ये मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और ऐसे पास्ट में एक नहीं 1000 कंपनियां हैं, अभी मैंने 2-4 तो आप लोगों करके भी दिखाई, सब कुछ करके दिखाया, ऐसी 1000 कंपनियां केमिकल के 10, अरे छोड़ो कुछ मत करना है तो आप क्रिप्टो को, क्रिप्टो का पता नहीं इसमें चार्ट आता है, क्रिप्टो ये देखिए यही है ना, कहा गया, मैंने कभी इन्वेस्ट करता नहीं, मैं ये सब देखता नहीं, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कर बता रहा हूँ, आपको पता होने के लिए समझ में आना चाहिए। ये देखिए ये जो रन है, इस रन को देखिए, ये आप देखिए, ये समझिए, ये रन देखिए, ये जो मैं भाई साहब को कह रहा हूं कि ये आपको 250 पे आएगा, ये जब 70,000 था उस समय अगर एक सुनील त्रिपाठी बैठ के कहता कि ये आपको मैं 30,000 पे दूंगा तो लोग कहते हैं पागल हो गया, किसी काम का नहीं, दिमाग ही नहीं इसके पास। और ये बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूं, ये नवंबर 2021 में 70,000 पे था, नवंबर 2021 में 70,000 पे था, 67,000 पे, आज ये 30,000 पे। तो क्यों? क्योंकि ये जो रन है ना, ये रन
ये रन जस्टिफाई होना चाहिए, समझिए इस बात को। यही मैं आपको हर कई बार दिखाता हूं, इस रन को जस्टिफाइड, अगर ये रन जस्टिफाई हो गया तो ठीक है, यही फंसते हैं लोग। और आप लोग में से कोई ऐसा है जो क्रिप्टो में फंसा हुआ है? कोई है तो नहीं, वैसे होना तो नहीं चाहिए मेरे से, लेकिन फिर भी कोई कोई ऐसा है जिसके फ्रेंड फ्रेंड बात करते हैं जिन्हें 50,000-60,000 में क्रिप्टो खरीदा था? यस सर। है किसी कौन ताहिर जी के वगैरह कुछ बताएं? मेरे ऑफिस को, मेरे ऑफिस को लीक ने सर 70,000 के करीब है ना, वो तो पकड़ा हुआ सर उन्होंने। हां सर पकड़ के बैठे हुए आज भी बेचारे। और उस समय रोज हर स्टेशन पे, हर टीवी पे, इवन एफएम पे भी क्रिप्टो की बात हो रही थी, याद है ना? आज कहीं बात हो रही है? नहीं हो रही। इसलिए प्लीज इन रन्स को, इनसे बचेंगे तो अच्छा होगा। और थोड़ा सा मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, सर ये क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूएशन जस्टिफाई कैसे हो सकती है? लाइक इट डजंट हैव एनी बेस टू सपोर्ट द वैल्यू। कितना सही बात बोला है। तो कौन है प्यारी सी लेडी, कौन है जिनकी आवाज तो आई लेकिन पहचानते? मैं रंजना हूँ। अरे कहाँ है आप, मैं दिख नहीं पा रही है ना आप? रंजना जी, यही आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि क्रिप्टो की वैल्यूएशन कैसे जस्टिफाई हो सकती है, उसके फंडामेंटल कुछ है ही सिंपल से बात है। आज आपके उसका ना कोई ये ना कोई मॉडर्न कंपनी है, ना कोई ट्रेडिशनल कंपनी है, लाइक हाउ विल वी बी एबल टू इन्वेस्ट? बस तो किसने कहा था इन्वेस्ट करने को? मैं तो कभी कहा नहीं, मैंने किया ही नहीं है। मतलब जैसे आपने बोला वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो रहा रन का, तो अगर वैल्यूएशन जस्टिफाई भी हो जाए इसी तो कह रहा हूं, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है ना, राइट? सोचना ही नहीं उसके बारे में। सर एक रिक्वेस्ट थी, वीक में एक क्लास तो रख लिया करो सर। सर मैं ना आप लोग को साथ पता नहीं, मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ इस समय, कुछ लोग मैं इस समय बस ये 8 तारीख का वेट कर रहा हूँ, कुछ बुक्स पे लगा हुआ हूँ, कुछ उस पे लगा हुआ हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ जितना भी कर सकता हूँ। अभी भी आज भी मैंने अरेंज किया कि हाँ नहीं आज मैं क्लास लेता हूँ, बहुत दिन हो गए तो एक दिन। हाँ ताहिर जी बोलिए। सर ये जैसे आपने इंडियन शेयर मार्केट पे बताया, हमें पूरा समझाया, क्लास ली, क्या फ्यूचर में कभी इंटरनेशनल शेयर मार्केट पे भी हम क्लासेस कर सकते हैं? क्या वो सही रहेगा? क्या आपके पास इतने पैसे हो गए कि इंडिया के सारे शेयर खरीद लिए आपने? मगर नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या वो सही रहेगा सर? सीरीज वो तब रहेगा, एक चीज बताना, एक बार झुंझुनवाला जी का पोर्टफोलियो देखिए, रामदेव अग्रवाल का पोर्टफोलियो देखिए, देखिए क्या इन लोगों ने एप्पल वेप्पल के शेयर खरीद रखे हैं? रामदेव अग्रवाल की कंपनी बोलती है कि इंटरनेशनल मार्केट में जाओ, मोतीलाल ओसवाल के आते रहते हैं। बोलती है, आपको बोलती है। रामदेव अग्रवाल का पर्सनल पोर्टफोलियो देखिए कि क्या उसने खरीद रखा है, वो तो आपको बोलती है, उसका काम है, उसको कमीशन मिलेगा। मेरी बात समझिए, आप जब उससे खरीदेंगे तो आपको ज्यादा कमीशन मिलेगा उनको, समझ लीजिए बात को। सर इंडियन इकोनॉमी बढ़ने दीजिए, फॉरेन में जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमी का नुकसान हो जाएगा। नहीं एक चीज बताइए, आपने सुना है कि बड़े बड़े FDI जो है वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, सुना होगा आपने? क्या आपने इंडिया के लोग, इंडिया के जो FIIs हैं, FDIs हैं, वो बाहर इन्वेस्ट नहीं करते? क्यों? क्या होता है, इकोनॉमी में हम ग्रोथ देखते हैं, इंडिया का जो GDP है, देखिए ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ होता है इन्फ्लेशन प्लस GDP, ऑलवेज रिमेंबर इन्फ्लेशन प्लस GDP। इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड, अगर कोई किसी ने मिस हैंडल किया इकोनॉमी को, आप मान लो आप श्रीलंका की बात कर लो तो अलग बात है, अदरवाइज वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन हमेशा एक डायरेक्शन में बढ़ता है, एक डायरेक्शन। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो, क्योंकि आप हमारी ग्लोबल इकोनॉमी हो चुकी है तो सब जगह, आप इस समय आप जाके देखिए हर जगह इन्फ्लेशन, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी कंट्री है जहां पर डिफ्लेशन चल रहा हो या इन्फ्लेशन 2%, ऐसा है, हो ही नहीं सकता। तो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन, क्योंकि देखो इनपुट है, पेट्रोलियम प्राइस है, ये सारी चीजें एक जैसी चलती है, WTO है, तो उसमें मतलब कोई, तो इन्फ्लेशन इज लगभग कॉन्स्टेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग सारी कहानी है GDP में। जिसकी GDP ज्यादा होगी वहां पे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रोथ जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो इन्फ्लेशन प्लस GDP होती है। अब GDP बढ़ रही है अमेरिका के 3% से, इंडिया की 8% से, और आप जाके अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे,
कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। तो इसलिए उसके कोई फायदा नहीं है। इंडिया में बहुत अच्छी कंपनियां हैं, इंडिया में अच्छी टेक कंपनियां हैं, उनमें आप देखिए और मौका मिलेगा, हर चीज का मौका मिलेगा। आज मौका मिला हुआ, डाबर में मौका मिला हुआ, नेस्ले में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार, और फिर आज के चार महीने बाद आवाज करूंगा, फिर मैं इन कंपनियों के नाम नहीं लूंगा। आज बजाज फाइनेंस में मौका आया, डाबर में मौका आया, अपने नेस्ले में मौका है, बहुत मौका है। ये आज एनएमडीसी में मौका है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे फीडबैक जरूर डालेंगे, जितने ज्यादा फीडबैक होंगे उतनी जल्दी क्लास होगी, जितने ज्यादा फीडबैक होंगे उतनी जल्दी क्लास होगी। दो डाल सकता सर एक बंदा? हाँ जी, दो डाल सकता है, दस डाल दीजिए, अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।